चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक और पेपर है, मार्च का 2024 का पेपर है और यह है पेपर 22। सही है जी? तो आप देखते हैं भाई ये जरा क्या होगा। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ और पहला सवाल जो है वो कैश बुक का है, गुरजीत के नाम से। हाँ, गुरजीत इज अ ट्रेडर ड्यूरिंग जनवरी 24, 2024 की बात हो रही है भाई। ड्यूरिंग जनवरी 24 ही द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर टुक प्लेस। देखो भाई यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। क्या कह रहा है भाई, ये डेटा सारा दिया हुआ है और रिक्वायरमेंट क्या है, हमने कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक बेटा आपको बनाना आती है, आसान है। तो बेटा आपको पता है कैश बुक में दो साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आप देखें यहाँ बैलेंस बीडी पहले से दिए हुए हैं, तो मैं अपने पास बैलेंस बीडी लिख देता हूँ। तो बताएं कैश का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट पे आता है या क्रेडिट पे भी आ सकता है? कैश हमेशा डेबिट पे आता है, डेबिट या तो कैश होगा बेटा हमारे पास या नहीं होगा। कैश कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। बैंक बैलेंस बेटा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ डेबिट दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। डेबिट दिया हुआ है तो पॉजिटिव बैलेंस है, सही। अब यहाँ पे बेटा एक एक करके देखते हैं ट्रांजेक्शन। पहला कह रहा है 4 जनवरी को कैश सेल वो पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। जब कैश सेल बेटा डायरेक्टली बैंक में डलवा दी, तो बैंक बढ़ गया है कम हो गया? बैंक बढ़ गया, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? हाँ, रेफरेंस में सेल्स लिखेंगे, कैश सेल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट का नाम सिर्फ सेल्स होता है बेटा। अकाउंट का नाम कैश या क्रेडिट सेल नहीं होता, सही है। बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। आगे कह रहा है बेटा पे किया सैंडी को कितने पैसे? 551 बाय क्रेडिट ट्रांसफर। कितने पे किए? 551 बाय क्रेडिट ट्रांसफर। और उसके बाद इसने यहाँ पे बात बोली कि हैविंग डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट, सही। अब सवाल ये आता है बेटा कि ये जो 551 है इस पे अभी डिस्काउंट अप्लाई करना है या डिस्काउंट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है? सही है ना? कैसे पता चलेगा बेटा डिस्काउंट अप्लाई करना है या हो चुका है, बताए भाई? सर अगर बैंक से हुई होगी तो मतलब हो चुका होगा। हाँ, अगर वो बोले भाई चेक का अमाउंट इतना है या क्रेडिट ट्रांसफर इतना अमाउंट किया है, तो वो हो चुका है। अगर वो कहता है बेटा अकाउंट ऑफ सेंडी या लेजर ऑफ सेंडी या द बैलेंस ऑफ सेंडी, इसका मतलब अभी 5% अप्लाई करना है, तो पता ये चला बेटा ये जो 551 है ये कितना परसेंट है? ये 100% है या ये 95% है, बताएं? ये 551 95% है। अगर इसको डिवाइड कर दें 95% से, तो क्या 100% आ जाएगा? 100% कितना आ गया? 580। कैसे किया बेटा? ये ऐसे किया हमने कि भाई देखें सीन कुछ ऐसा है कि अगर जो है कस्टमर है वो हमें पैसे दे रहा है कितने, 5% हम उसको अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमें पैसे कितने परसेंट दे रहा है? 95%, सही है। तो कस्टमर ने जो हमें पैसे दिए कितने दिए? क्रेडिट ट्रांसफर कितना किया? 551। ये जो 551 है बेटा ये 100% नहीं है, 95% है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 0.95 से या 95% से, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल कितना आ गया? 580। अब ये 580 आ गया बेटा 100%। अब एक काम करें, या तो 580 पे लगा दें 5%, लगाएं 580 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना हो गया? 29। या ये करें कि 580 में से 551 माइनस कर दो, 580 में से 551 माइनस कर, देखिए ये आ रहा है 29। तो बेटा जब हम सप्लायर को पे कर रहे हैं या सप्लायर हमें पे कर रही है, बताएं? हम गुरजीत हैं, पेड सेंडी बाय क्रेडिट ट्रांसफर, हम उसको पे कर रहे हैं या वो हमें पे कर रही है? हम उसको पे कर रहे हैं, तो कहाँ, डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे आएगा ना, हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट पे आएगा ना। और ये डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव होगा? सही, अगर हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा। कितना डिस्काउंट हो गया बेटा? डिस्काउंट हो गया हमारा 29, सही है। और इसमें से 29 और 580 का डिफरेंस खुद ही पता लग गया हमें, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है 551, सही है जी। तो यहाँ पे बेटा बस ये घुमाता है कैश बुक में कि डिस्काउंट माइनस हो चुका है या करना है। अगर वो बोले बेटा चेक का अमाउंट 551 है या क्रेडिट ट्रांसफर किया हमने 551, तो इसका मतलब हम डिस्काउंट माइनस करने के बाद पेमेंट देंगे, सही है। और अगर वो बोलता अकाउंट ऑफ सेंडी, सही है, 551, इसका मतलब अभी डिस्काउंट अप्लाई करना है। अगर वो कह रहा है चेक या क्रेडिट ट्रांसफर या इंटरनेट ट्रांसफर या टेलीफोन ट्रांसफर, सब एक ही चीज होता है, तो डिस्काउंट माइनस हो चुका है। पेड कैश 120 जी, हाँ, पेड कैश 120 फॉर वेजेस। कह रहा है कैश पे से हमने जो है वो वेजेस पे किए, ऐसा ही ना, पेड कैश 120 फॉर वेजेस। तो कहाँ आएगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे? जब वेजेस पे करेंगे बेटा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। वेजेस पे करने से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे क्या, रिसीव अ चेक फ्रॉम उमा 415। तो आसान है भाई, ये रिसीव हो रहा है तो कहाँ, डेबिट पे आ जाएगा।
तो बैंक को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या आ जाएगा, उमा, कहाँ से पैसा है, उमा से। कैडा पे किया है बेटा विराज को 194 बाय टेलीफोन ट्रांसफर। मैंने बताया इंटरनेट ट्रांसफर टेलीफोन ट्रांसफर से भी एक ही चीज होती है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस ऑफ 200। अब देखो खुद बता दिया इसने इनवॉइस कितनी थी बेटा 200, लेकिन हमने पे कितने किए 194। सही, अंदर आ जाओ, सही है ना, इस तरफ बैठ जाओ, ये ना लैपटॉप में देख। तो बेटा हमने पे किया, आ रहे ना, अच्छा तो बेटा हमने पे किए कितने 194। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है $6। सही, तो जब हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव होगा जब हम पे कर रहे हैं? रिसीव होगा ना, जब हम पे कर रहे हैं बेटा विराज को, तो $6 इधर आ जाएगा और बाकी बैंक आ जाएगा, बाकी बैंक आ जाएगा। आसान है। विड्रीव कैश फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज, तो अब बताए इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, विड्रीव किया कैश फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस जी। तो बेटा अगर ये बिजनेस यूज है तो ये ड्रॉइंग तो नहीं है ना, ड्रॉइंग कब होता है बेटा जब पर्सनल यूज हो, सही है, जब बिजनेस यूज है तो वो ड्रॉइंग नहीं है। तो जब कैश विड्रॉ किया बैंक से तो कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और रेफरेंस में क्या आ जाएगा, बैंक। सही है, ये जो कैश बढ़ गया तो कम क्या हो रहा है बेटा, बैंक, और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कम कर देंगे और रेफरेंस में क्या आ जाएगा, कैश। तो आपको पता है कॉन्ट्रा एंट्री होती है, अगर कॉन्ट्रा आगे सी ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एक ऐसी एंट्री बेटा जिसमें एक साइड पे कैश आ रहा है और एक साइड पे बैंक आ रहा है। तो दो कॉन्ट्रा एंट्रीज हो सकती है, या तो हम कैश बैंक से निकाल लें एटीएम या चेक के थ्रू, या कैश अपने बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये होती है बेटा अभी कैश बुक, जो बड़ी साइड है वो दोनों जगहों पर आ जाएगी और जो शॉर्ट साइड है वहां पर क्या आता है, जो शॉर्ट साइड है वो बैलेंस सीडी आता है। तो बेटा हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं, कैश जो है वो हमेशा बड़ी साइड कौन सी होती है, डेबिट या क्रेडिट, हमेशा बड़ी साइड होती है डेबिट। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी। अच्छा, अब देखें डिस्काउंट अलाउड या नहीं है, तो इसलिए इसको हमने टोटल नहीं किया, डिस्काउंट रिसीव है उसको हमने टोटल कर लिया। अलाउड और रिसीव अलग अलग चीज है, वो एक नहीं होता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बैंक या कैश की। अच्छा, कैश में हमेशा बड़ी साइड कौन सी होती है, डेबिट। तो जो बड़ी साइड है वो मैंने दोनों जगहों पर लिख दी, कौन सी, 275। सही, अब 275 में से हमें काम करेंगे बेटा, ये माइनस कर देंगे, क्या चीज, 275 में से माइनस कर देंगे बाकी वाला बैलेंस। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो देखें जरा, 275 में से अगर हम ये माइनस कर दें कितना, 120। तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, बैलेंस सीडी। जो बच गया वो बैलेंस सीडी, इसका मतलब बेटा जितने पैसे आए थे 275 उसमें से इतने खर्च कर दिए, जो बच गए वो बैलेंस सीडी। ये जो कैरेट डाउन है बेटा वही नेक्स्ट पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन, सही, जो कैरेट डाउन है वो ब्रॉड डाउन। ऐसे बैंक को देख लेते हैं बेटा, बैंक में बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी, अगर बड़ी साइड डेबिट है तो पॉजिटिव बैंक बैलेंस होगा, और अगर बड़ी साइड बेटा जो होती है क्रेडिट होती तो फिर क्या होता है, नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है। ऐसे ही ना, तो यहाँ बड़ी साइड बेटा डेबिट आ रही है तो पॉजिटिव बैंक बैलेंस, जो शॉर्ट साइड है वो बैलेंस सीडी, वही अगले पीरियड में बैलेंस बीडी। तो ये देखें बहुत आसान थी कैश बुक, कितने मार्क्स दिए इसके एग्जामिनर ने, 10 मार्क्स। सही है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं बेटा। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाना है और बनाना है कि एक टिक लगा के बताना है इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट वेदर ईच आइटम वुड बी यूज्ड टू अपडेट द कैश बुक और इन द बैंक रिकंसिलेशन। तो आपने बेटा टॉपिक पढ़ा बैंक रिकंसिलेशन, तो बेटा वो ट्रांजेक्शन्स जो बैंक में ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन कैश में अभी तक नहीं आए तो वो कहाँ थे, अपडेटेड कैश बुक में, और वो ट्रांजेक्शन बेटा जो कैश बुक में ऑलरेडी आ रहे हैं और वो बैंक में नहीं आए तो वो कहेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बेटा अगर बैंक ने कोई एरर किया है तो उसकी करेक्शन कैश बुक में होगी या बैंक रिकंसिलेशन में, बताए भाई। अगर एरर बेटा हमसे हुआ होता कैश बुक में तो उसकी करेक्शन भी हम करते, अगर एरर बैंक से हुआ है तो उसकी करेक्शन होगी बीआरएस में। ऐसा ही है ना, अगर एरर बैंक से हुआ है तो करेक्शन कहाँ होगी, बीआरएस में। और बेटा अगर चेक डिसऑनर हो गया, कस्टमर का डिसऑनर्ड चेक की एंट्री कैश बुक में होती है बीआरएस में, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री बेटा कैश बुक में होती है, तो बताएं भाई जोहर, जब कस्टमर से चेक आता है तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, जब कस्टमर से चेक आता है बैंक डेबिट पैसे आ रहे हैं और कस्टमर क्रेडिट, और जब वो चेक डिसऑनर हो जाता है किसी वजह से बाउंस हो जाता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, जिस बैंक को बेटा डेबिट किया था अब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और जिस कस्टमर को कम कर दिया था अब उसको दोबारा बढ़ा देंगे। तो ये बेटा डिसऑनर्ड चेक भी कहाँ पे आएगा, अपडेटेड कैश बुक। बैंक जो हमसे चार्जेस ले रहा है उसको हम बैंक रिकंसिलेशन में लिखेंगे बीआरएस में, अपडेटेड कैश बुक में, अपडेटेड कैश बुक में, क्योंकि बैंक चार्जेस बेटा बैंक ऑलरेडी लिख चुका होगा, हमने नहीं लिखे होंगे क्योंकि हमें नहीं पता लगा बैंक ने कब चार्जेस ले लिए। तो जब हमें पता लगेगा तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट।
क्या कह रहा है बेटा, गुरुजीत इज कंसिडरिंग पेइंग अमाउंट ऑफ लेस देन 20 विया पेटी कैश। तो गुरुजीत ने क्या सोचा कि $20 से कम की जो पेमेंट है वो हम कहां से करेंगे, पेटी कैश से। तो आपको पता है छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए पेटी कैश बुक बनती है। वुड पे ऑल लार्जर अमाउंट बाय बैंक ट्रांसफर और कार्ड पेमेंट्स। जो बड़ा अमाउंट है 20 से ऊपर वो कहां से पे करेंगे बेटा, या तो बैंक ट्रांसफर से या क्रेडिट कार्ड वगैरह से, सही है। और वो कह रहे हैं कि ही वुड ऑल्सो रिक्वायर हिज कस्टमर्स टू पे ऑल अमाउंट ड्यू बाय बैंक ट्रांसफर और कार्ड पेमेंट। इसका मतलब जो डेटर्स हैं हमारे उनको हम बोलेंगे हमारे पास कैश नहीं दो हमें, या तो डायरेक्टली आप कार्ड से पेमेंट करो या बैंक ट्रांसफर करो हमारे अकाउंट, सही है। गुरजीत वुड स्टॉप इशूइंग एंड रिसीविंग चेक्स। वो कह रहे हैं चेक्स का हम काम ही खत्म कर देंगे, ना हम किसी को चेक देंगे ना तो हम किसी से चेक लेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, सही ना। चेक वेक वाला चक्कर, पुराने जमाने वाला चक्कर खत्म करें। एडवाइस करें गुरजीत को वेदर नॉट ही शुड मेक द अबव चेंजेस। आपको बताना है ऐसा करें या ना करें। जस्टिफायर आंसर प्रोवाइडिंग पॉइंट फॉर एंड अगेंस्ट। तो देखो 5 मार्क्स है तो 2 पॉइंट्स हमने लिखने हैं इनकी तारीफ में कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरजीत साहब, सही। और 2 पॉइंट्स हमने बताने के यार ऐसा ना करो, सही है। तो आप बताएं भाई क्यों ऐसा करना सही रहेगा। एक तो इसने बोला छोटी मोटी पेमेंट पेटी कैश से देना क्यों सही रहेगा, और दूसरा बोला कि सारी पेमेंट बैंक ट्रांसफर या कार्ड के थ्रू करें, और कस्टमर से भी हम पैसे किसके थ्रू लें, बैंक ट्रांसफर के थ्रू लें। जी भाई बताएं। सर उसे मेन कैशियर का अगर ऐसा करेंगे तो फिर बैड डेट के चांसेस बढ़ सकते हैं। बैड डेट के चांसेस कैसे बढ़ेंगे जरा एलैबोरेट करें। बैड डेट के चांसेस क्रेडिट सेल्स होंगी। हां हां, जरूरी नहीं है कि हर क्रेडिट सेल्स के पैसे हमें मिलेंगे बाय बैंक ट्रांसफर और कार्ड पेमेंट। नहीं तो अब बैड डेट होगा तो वो कैश पेमेंट अगर दे रहा है वो भी बैड डेट हो सकता है ना। बैड डेट का इससे तो लिंक समझ नहीं आया। सर जो छोटी मोटी सेल्स अपना पेटी कैश में हम करने के रिकॉर्ड तो हमारा टाइम जाया नहीं होगा। हाँ, उसमें ये है कि जो मेन कैशियर है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा मेन कैशियर का, और जो मेन कैश बुक है उसमें पेटी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, सही है। तो माइनर ट्रांजेक्शन जब मेन कैश बुक में नहीं होंगे तो वो अच्छा है बिजनेस के लिए। क्यों? ताकि फिर हम फोकस करेंगे किस पे, बड़े ट्रांजेक्शन पे, सही है। तो जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज हैं बेटा वो मिस नहीं होंगी, सही है। और जो कैशियर है मेन कैशियर उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाकी जो पेटी कैशियर है उसकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। क्या होगी पेटी कैशियर की, उसमें ट्रेनिंग होगी। तो देखते बेटा कुछ फोर वाले पॉइंट। मोस्ट पेमेंट्स आर ऑलरेडी बीइंग मेड। सर वो जो लॉयल कस्टमर्स हैं जी और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, हाँ, वो शायद अब सेल्स ना करें। तो आप ये कह रहे हैं कि लॉयल कस्टमर हमसे माल नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि आप उनको जो है बोल रहे हो उससे बैंक से पेमेंट करो, इस वजह से जी। अच्छा, तो कह रही भाई ये कह रही है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो प्रेफर करते होंगे कैश पे करना, सही है ना, वो बैंक के थ्रू नहीं करना चाह रहे, सही। तो हो सकता है ऐसे कस्टमर्स आप लूज कर जाएं बिल्कुल, कि जो भाई ज्यादा जो है वो कैश में डील करना चाह रहा, सही है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, ऑलरेडी हमारी पेमेंट ज्यादातर किसके थ्रू हो रही है, बैंक के थ्रू। अगर आप देखो ये तो बैलेंस बीडी है ना, और कैश की बेटा सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कि कैश हमने बैंक से निकाला है, सही। और दूसरा एक ट्रांजेक्शन है वेजेस पे की, इसके अलावा सारे ट्रांजेक्शन किसके हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो कह रहे हैं ऑलरेडी अगर हमारा सारा बिजनेस बैंक के थ्रू चल रहा है तो हम ये कर दें तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सर मेरी बात, there has been a general move towards bank transfer। वो कह रहा है generally अगर देखा जाए पूरी दुनिया भर में एक रिवाज है कि लोग कैश को क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर, सही। unless and until के कोई दो नंबर का काम कर रहा है, दो नंबर इस सेंस में कि कोई टैक्स नहीं भर रहा, टैक्स चोरी करना चाह रहा है, तो वो तो बोलेगा भाई कैश से पेमेंट करो। लेकिन जिसका भी काम बैंक के थ्रू और जो टैक्स पूरा देता है वो बोलेगा यार नहीं आप मुझे बैंक से ही पेमेंट दो, सही, मुझे झंझट पालनी नहीं है। क्योंकि कैश में क्या इनकन्वीनियंस है, कैश में चोरी होने का खतरा है, सही है ना। कैश में बहुत सारे मसाइल है, कैश जो है काउंटर फीट आ सकता है, किसी ने जाली नोट आपको पकड़ा दिए, लेकिन बैंक में कोई जाली पैसे आपके अकाउंट में नहीं डाल सकते, सही ना। बैंक में जो है ना वो रियल ट्रांजेक्शन हो। तो कह रहे जनरली भी जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो बिजनेस करना कन्वीनियंट है, तो कह रहे आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आप क्या कर रहा है, ई पेमेंट की तरफ जा। कह रहे रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड वुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैश बीइंग स्टोलन। भाई जब आपकी दुकान में कैश कम होगा तो फिर ये भी चांस कम हो जाएगा कि भाई कोई डकैती हो जाएगी, वारदात हो जाएगी, क्योंकि जब कैश रखते ही नहीं है तो कोई आके क्या लूटेगा कैश, सही है। चेक्स में भी रिटर्न अनपेड। वो कह रहे हैं अगर आप कस्टमर से चेक लेते थे तो चेक में एक प्रॉब्लम ये होता है कि चेक बाउंस हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, सही है। तो अगर आप बोलो भाई हमें चेक वेक नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डलवाओ, तो उसमें फिर चेक डिसऑनर वाला सीन खत्म हो जाएगा, ये फायदा।
चेक टेक टाइम टू क्लियर, अगर एक कस्टमर चेक देता है अगर वो बाउंस नहीं भी होता तो अगर किसी और बैंक का चेक है और हमारा अकाउंट किसी और बैंक में है तो क्या फॉरन पैसे आ जाएंगे? नहीं, दो वर्किंग डेज लगते हैं। सही, कोई भी दो पॉइंट्स लिखने बेटा इसके आपको, कोई भी दो पॉइंट्स। कह रहा है बैंक चार्जेस विल रिड्यूस इफ देर आर फ्यूअर चेक्स। सही है, जब बेटा आपका चेक्स वाला काम खत्म हो जाएगा तो फिर बैंक चार्जेस भी आपके क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादातर फ्री होता है। जैसे हम भी यहाँ देखते हैं रास पेमेंट, आपने सुना होगा RAST ना, तो रास पेमेंट जो है वो फ्री है। सही है, तो बस इसका मकसद गवर्नमेंट का ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑनलाइन इकोनॉमी पे आए, ताकि गवर्नमेंट फ्यूचर में वो टैक्स कर सके ना, आपको टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने फ्री रखा हुआ है। हाँ, बुरी बात क्या चीज है? तो ये तो फेवरेबल पॉइंट्स हो गए ना कि भाई क्यों हमें करना चाहिए। आगे बेटा अब अगेंस्ट देख लेते कि भाई क्यों उसको ये काम नहीं करना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, कैश वाला भी और चेक वाला भी। सही है ना, कह रहा है भाई वो ये सम कस्टमर्स या सप्लायर क्या करेंगे भाई, प्रेफर करेंगे सही है डील करना कैश में या चेक में। सही, हर बंदा इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता इंटरनेट बैंकिंग से, सही ऑनलाइन बैंकिंग से। अब लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी डर है कि कहीं मेरा अकाउंट हैक ना हो जाए, मेरे पे अकाउंट खाली ना हो जाए, सही स्कैम ना हो जाए, तो इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं ओल्ड वे पे चलते हैं, ट्रेडिशनल वे पे चलते हैं, बोलते हैं या तो कैश ले लो या चेक ले लो। खास तौर पे जो आपके एजेड कस्टमर्स या सप्लायर्स होंगे वो उसको अवॉइड करेंगे, बोलेंगे यार हमें इसके चक्करबाजी हमें समझ नहीं आती, कभी ऐप अपडेट होती है, कभी क्रैश हो जाती है, कभी कुछ चक्कर है। नॉट ऑल कस्टमर्स मे हैव अ बैंक अकाउंट। सही, अब जो लोग बैंक अकाउंट जिनके पास है ही नहीं वो तो स्ट्रिक्टली कैश में डील करेंगे, और कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट है भी लेकिन वो इंटरनेट बैंकिंग पे नहीं जाना चाह रहे, तो वो बोलते हैं कि भाई नहीं आप हमसे चेक ले लो। सही है ना, इंटरनेट वगैरह का हमें नहीं आता यूज करना। वैसे हम लोग एक फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं ना कि इसका कैश जब चेक देते हैं तो चेक फ्रॉड मोस्टली हो जाता है। फ्रॉड ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फ्रॉड ये लिखा है कि भाई वो चेक अनपेड हो सकता है कस्टमर का, अनपेड मतलब डिसऑनर हो सकता है। सही है ना, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहे हैं चार्ज में भी इनकर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, वो कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी हो सकता है हर कंट्री में फ्री ना हो, और यहाँ पे भी अगर आप देखो कि सेम बैंक की जो पेमेंट्स होती है ना वो तो फ्री होती है, लेकिन अगर आप किसी और बैंक से पैसे किसी और बैंक में डाल रहे हैं रास के अलावा डालते हैं तो बैंक फिर उसके चार्जेस लेता है आपसे ना, माइनर होते हैं लेकिन फिर भी उसके चार्जेस होते हैं इंटरनेट ट्रांसफर के भी। और आगे क्या कह रहे हैं भाई, देर में बी इशूज विद इंटरनेट या कार्ड टर्मिनल्स। वो कह रहा है अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है कि कार्ड टर्मिनल चल ना रहा हो जिसको पेमेंट करनी है। सही है, दूसरी बात है कि अगर आप पेमेंट ले रहे हैं इंटरनेट के थ्रू तो अगर इंटरनेट ब्लॉक हुआ हुआ है किसी वजह से, जैसे यहाँ पे होता है कभी कभार जो जुलूस है रबी अव्वल का या जो है मुहर्रम का, तो उसकी ऐसे इंटरनेट सर्विस डाउन कर देते हैं तो फिर आपकी पेमेंट नहीं आ पाई। कह रहे बेटा पेटी कैश बुक जो है वुड बी रिक्वायर्ड। सही है, पेटी कैश से अगर आप कहते हैं कि हम छोटे अमाउंट पेटी कैश के थ्रू देंगे तो उसके एडवांटेज इन्होंने नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने डिसएडवांटेज लिख दिया कि उसके लिए एक एडिशनल हमें पेटी कैश बुक भी क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो आसान है बेटा, दो फेवर में पॉइंट्स, दो अगेंस्ट में, और एक मार्क क्या होगा रिकमेंडेशन का कि भाई गुरजीत शुड या शुड नॉट, सही है ना, अप्लाई द फॉलोइंग चेंजेस। जी ये लिखने का एक मार्क मिल जाए, सही ना, या शुड लिखेंगे क्योंकि दोनों के आपने पॉइंट्स इक्वल लिखे हैं, फॉर के भी दो पॉइंट लिखे और अगेंस्ट के भी दो पॉइंट लिखे, सही, तो एक मार्क आपको रिकमेंडेशन का मिल जाएगा। अच्छा लास्ट की बेटा दो और रिक्वायरमेंट से वो भी देख लें, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें मीनिंग बताना है, किसका मीनिंग बताना है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो हमने बताना है बैंक ओवरड्राफ्ट होती क्या चीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है बेटा कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे हमने रखे हुए हैं उससे ज्यादा हमने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, जितने पैसे हमने बैंक में डाले सही है डिपॉजिट किए उससे ज्यादा पैसे हमने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो अब हमने बैंक से पैसे लेने हैं, हमने बैंक को पैसे देने हैं, हमने बैंक को पैसे देने, क्या लिखेंगे बेटा, मार्क्स कितने, वन मार्क। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, हैपेंस व्हेन मोर हैव बीन पेड आउट ऑफ अ बिजनेस बैंक अकाउंट, पैसे निकाले ज्यादा हैं देन पेड इन। इसका मतलब बेटा जितना पैसा हमने बैंक में जमा करवाया उससे ज्यादा पैसे हमने क्या कर लिए, बैंक से विड्रॉ कर लिए। सही है ना, जितना पैसा बेटा हमने बैंक में जमा करवाया उससे ज्यादा पैसे हमने बैंक से क्या कर लिए, निकाल लिए। और रिजल्ट क्या हुआ बेटा कि अब हमने पैसे बैंक को देने, रिजल्टिंग इन एन अमाउंट दैट इज ओड टू द बैंक। अब ये पैसे हमने बैंक को क्या करना है, देने, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक चार्जेस को डिफाइन करना है, बैंक चार्जेस होते क्या चीज बता सकते हैं भाई, बैंक चार्जेस क्या होते, बोलो भाई बैंक चार्जेस क्या चीज होती है सर, वो जो अपनी
ट्रांजेक्शन के थ्रू के उस पे चार्ज करते हैं बेटा, बैंक बैंक जो हमें अपने फीस। सर्विसेज दे रहा है सही है, उसके अगेंस्ट वो फीस चार्ज करता है, सही होता ना? बैंक जो अपनी हमें सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, अपनी सर्विस फीस लेगा। तो ये क्या होता है भाई, सर्विस चार्जेस, ये होते हैं बैंक चार्जेस। और ये कहाँ से पे होंगे बेटा, ये हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पे हो जाएंगे। कहाँ से पे हो जाएंगे? बैंक। बैंक चार्जेस क्या है बेटा, अमाउंट्स डेबिटेड टू, ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं या हमारे अकाउंट में से डेबिट हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं, उल्टा होता है ना यहाँ पे। तो हमारे अकाउंट में से बेटा डेबिट हो जाते हैं या डिडक्ट हो जाते हैं बिजनेस अकाउंट में से, किस चीज के लिए? टू कवर द बैंक्स कॉस्ट ऑफ रनिंग द अकाउंट। सही है, बैंक की जो खर्चा हो रहा है बैंक का उस अकाउंट को चलाने का, या बैंक जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस के अगेंस्ट जो बैंक हमसे पैसे ले रहा है वो क्या कहलाएंगे? बैंक के चार्जेस कहलाएंगे। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारे पास पेपर चल रहा है फरवरी मार्च का 2024 का पेपर, और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं बेटा हम, कौन सा? टू, समीर के नाम से। सही है, तो बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ। क्या कहते हैं भाई समीर भाई, कह रहे भाई, समीर बाय एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखें कुछ डेटा दिया हुआ है, 1 जनवरी का ओपनिंग है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, 31 दिसंबर क्लोजिंग दिया हुआ है, और बेटा आगे कुछ और एडजस्टमेंट दी हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओड बाय रिया। क्या कह रहे भाई, इन एडिशन वन ऑफ द समीर ट्रेड रिसीवेबल रिया हैज बिकम बैंकक्रप्ट। रिया क्या हो गई है भाई? बैंकक्रप्ट हो गई है, उसकी दुकान बंद हो गई, एंड समीर विल नॉट रिसीव द 178 व्हिच शी ओज टू हिम। अब ये रिया हमें पैसे देने वाली नहीं, तो अब हमने बेटा इसकी एंट्री बनानी है। तो बताओ बेटा, जब कस्टमर पैसे खा जाता है तो उसकी डबल एंट्री क्या बनाते हैं? जी, इररिकवरेबल डेट डेबिट। बैड डेट का नया नाम है बेटा इररिकवरेबल डेट। इररिकवरेबल डेट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट, और क्रेडिट किसका अकाउंट करेंगे बेटा? कस्टमर का अकाउंट। कस्टमर का नाम क्या है? रिया। सही है, तो रिया का अकाउंट क्रेडिट हो गया। सही है, यहाँ पे नेरेटिव मांगा है इसका, कह रहे हैं नेरेटिव इज रिक्वायर्ड। नेरेटिव क्या होता है बेटा, जो हमने एंट्री बनाई है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि इसका मतलब क्या है, ये हम एंट्री क्यों बना रहे हैं। तो क्या लिखा बेटा, या ये लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड, या लिखा बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रिया, जो अमाउंट मांगते थे रिया से, रिटर्न ऑफ ड्यू टू बैंकरप्सी। इसका मतलब रिया का बिजनेस बंद हो गया, इसकी वजह से अब ये पैसे मिलने वाले नहीं है। 3 मार्क है, 1 मार्क इररिकवरेबल डेट का, 1 रिया वाली एंट्री का, और 1 मार्क नोट का। सही है, नेरेटिव लिखने। स्टेट 2 रीजन व्हाई समीर शुड यूज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन अकाउंट क्यों बनाते हैं बेटा डाउटफुल डेट? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। सही है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। समीर शुड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन का अकाउंट बनाना चाहिए। सही है, बिकॉज रीजन क्या है भाई, ही डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव ऑल द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स। वो कह रहे रिया जब पैसे खा गई तो समीर को शक हुआ, और लोगों पे भी, बोला जब रिया बंदी पैसे खा सकती है तो और लोग भी हमारे पैसे खा सकते हैं, तो इसलिए उसको अब उम्मीद नहीं है कि सब लोग पैसे देंगे, तो इसलिए वो क्या कर रहा है भाई, प्रोविजन बना। और क्या लिखा बेटा दूसरा रीजन, जो कंप्लाई विद, कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं बेटा? प्रूडेंस अप्लाई होता है, मैचिंग अप्लाई होता है, और कंसिस्टेंसी भी अप्लाई हो सकती है। टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। सही है, प्रूडेंस क्या कहता है बेटा, कि प्रॉफिट और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो। प्रूडेंस क्या कहता है? प्रॉफिट और एसेट को ओवरस्टेट ना करो। अवॉइड ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और करंट एसेट्स। सही है, प्रॉफिट को ओवरस्टेट ना करो और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो। एसेट लिखे या ट्रेड रिसीवेबल लिखे बाद देखिए। सही है, अ लाइकली बैड डेट इज रिकॉग्नाइज इन द ईयर इन विच द सेल्स वर मेड। इसका मतलब बेटा वो बैड डेट जो होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं, उसके होने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसको आज ही पकड़ लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बेटा एक और भी नाम है जो एग्जामिनर यूज करता है, और वो नाम है अलाउंस फॉर इररिकवरेबल। प्रोविजन की जगह क्या टर्म यूज कर सकता है? अलाउंस। सही, अलाउ करना ना, अलाउंस फॉर, और डाउटफुल डेट की जगह इररिकवरेबल डेट। सही है, तो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट बोले तो वो कोई नई चीज नहीं है, वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करना है? मैच करना है। इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करना है? मैच करना है। मैच करने का मतलब ये बेटा कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं 2023 में
और पैसे आ रहे हैं 2024 में, तो रेवेन्यू हमने 23 में बुक किया, लेकिन बैड डेट होगा या नहीं होगा ये कब पता चलेगा? 24 में। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई सेल्स 23 में हो रही है और बैड डेट कब हो रहा है? 24 में हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अगर सेल्स 2023 में है तो बैड डेट भी कम होना चाहिए, 2023 में ही होना चाहिए, सेम ईयर होना चाहिए। तो इसके लिए हम बेटा बैड डेट का वेट नहीं करेंगे, बल्कि अभी से प्रोविजन को बुक कर लेंगे, अभी से प्रोविजन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बेटा बहुत आसान है, 9 मार्क्स की, और हमने बनाना है SLCA, याद है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये क्या होता है बेटा, ये सारे कस्टमर्स का कंबाइन अकाउंट होता है, 2023 का पूरे साल का बनाना है। तो अगर ईयर एंड हो रहा है December 23 में, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा? January 2023। तो बेटा ये ट्रेड रिसीवेबल का अगर एक ही बैलेंस दिया होता है तो वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगर एक ही बैलेंस होता है तो बेटा डेबिट बैलेंस होता है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो बैलेंस BD कहाँ जाएगा बेटा? डेबिट पे आ जाएगा। अगर बैलेंस BD बेटा डेबिट पे आएगा तो बैलेंस CD क्रेडिट पे। अब एक एक करके देखते हैं, बताओ कैश सेल कहाँ आएगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेबिट सॉरी, कैश सेल तो आता ही नहीं है सर इसमें, क्रेडिट नहीं आएगा। कैश सेल बेटा यहाँ नहीं आता, ये ट्रिक क्वेश्चन था। कैश सेल बेटा याद रखें कभी भी डेटर अकाउंट में नहीं आता, अभी हम डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, डेटर अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, कभी भी कैश सेल नहीं आती। क्रेडिट सेल कहाँ आएगी बताओ, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड, क्रेडिट सेल डेबिट साइड पे आएगी। क्या एंट्री बनेगी बेटा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हम क्रेडिट सेल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सेल लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट का नाम बेटा क्रेडिट और कैश सेल नहीं होता, बल्कि अकाउंट का नाम क्या होता है, सेल्स। आगे कह रहा है रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर किस नाम से लिखते हैं बेटा? रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं और सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंट्री बनाएंगे बेटा सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट डेबिट और SLCA का अकाउंट क्रेडिट। बैंक ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, अगर क्रेडिट कस्टमर हमें बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, तो बेटा बताओ जब कस्टमर से पैसे आ जाएंगे तो डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? डेटर कम हो जाएगा। एंट्री बनाएंगे बेटा बैंक डेबिट और SLCA क्रेडिट। तो हम बेटा क्रेडिट ट्रांसफर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, बैंक। सही है, क्योंकि बेटा बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट। आगे कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो बताओ जब कस्टमर से कैश रिसीव होगा तो क्या इसकी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी यहाँ पे? हाँ नहीं बनेगी, बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी? जब कस्टमर से पैसे आएंगे क्या एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट और डेटर का अकाउंट क्रेडिट। डेटर क्रेडिट होगा या नहीं होगा जब पैसे आएंगे? तो बेटा मैंने ये बोला था कि कैश पे सेल करेंगे तो वो नहीं आएगी, लेकिन जब उधार पे सेल हुई हुई है और बाद में कस्टमर कैश दे रहा है तो वो आए। सही है, जब कैश पे माल बेचेंगे तो वो नहीं आएगा। क्या एंट्री बनती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सही है, लेकिन ये हम डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, जब कस्टमर हमें पैसे देता है, चाहे वो कैश से दे, चाहे वो चेक से दे, चाहे इंटरनेट ट्रांसफर दे, टेलीफोन ट्रांसफर दे, तो उससे तो डेटर कम होगा ना, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कैश। कैश सेल नहीं आती, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आता। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट आएगा नहीं आएगा? इंटरेस्ट चार्ज, जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो बेटा डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा डेटर बढ़ जाएगा, क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, डेटर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, डेटर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम। कॉन्ट्रा एंट्री आती है नहीं आती है SLCA में, बताएं? आती है। कॉन्ट्रा से बेटा डेटर डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, SLCA क्रेडिट और रेफरेंस में कॉन्ट्रा PLC, याद है? SLCA को बेटा क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रा PLC। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड आता है भाई नहीं आता? जी डिस्काउंट अलाउड आता है। डिस्काउंट अलाउड से डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है बेटा, ये कैश डिस्काउंट होता है या ट्रेड डिस्काउंट? ये कैश डिस्काउंट होता है बेटा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। क्या ये इररिकवरेबल डेट है, इसकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना, इररिकवरेबल डेट का अकाउंट डेबिट, अभी एंट्री बनाई रिया का अकाउंट क्रेडिट। सही है, तो अभी हम रिया का पर्सनल अकाउंट नहीं यूज कर रहे, अभी हम SLCA में इसकी एंट्री बना रहे। तो बेटा SLCA को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे, रिया नहीं, इररिकवरेबल। रिया की जगह तो हमने कस्टमर का अकाउंट बना दिया, सही है ना? तो कस्टमर अकाउंट में कस्टमर का रेफरेंस नहीं आएगा, बल्कि कस्टमर अकाउंट में इररिकवरेबल का रेफरेंस।
कि जो बैड डेट हो गया किसकी वजह से, ये जो कस्टमर क्रेडिट हो गया किसकी वजह से, इररिकवरेबल डेट की वजह से। सही, अब इसको बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंस सीडी दिया हुआ है या फाइंड करना पड़ेगा, बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है ना ब्रिंग डाउन द बैलेंस, ये फाइंड करना। अब बेटा इसको टोटल करेंगे तो बेटा अगर नॉर्मल बैलेंस ओपनिंग डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट पे आना चाहिए। इसका मतलब बड़ी साइड कौन सी होगी, डेबिट या क्रेडिट, बड़ी साइड डेबिट होगी बेटा, क्योंकि कस्टमर एसेट है, एसेट में बड़ी साइड कौन सी होती है, डेबिट। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी, और जो शॉर्ट साइड है बेटा वहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। जो शॉर्ट साइड होगा वहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। तो इसमें से सब माइनस करेंगे, बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये जो बैलेंस सीडी बच गया बेटा वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। बैलेंस सीडी के बाद क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। तो ये हमने क्या बना लिया भाई, ये बना लिया SLCA सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट। आसान है, कितने मार्क्स मिल गए, 9 मार्क्स। आगे कह रहा है बेटा समीर कंसर्नड है, किसकी वजह से कंसर्नड है, अबाउट हिज एबिलिटी टू पे इट्स ट्रेड पेबल। वो कह रहा है भाई मैं ट्रेड पेबल को पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ही इज कंसीडरिंग वेदर टू स्टॉप अलाउइंग कैश डिस्काउंट टू हिज क्रेडिट कस्टमर सो दैट देयर विल बी मोर कैश कमिंग इन एंड कैन पे ट्रेड पेबल इजीली। तो कह रहा है यार मैं एक काम करता हूँ, अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना छोड़ देता हूँ, तो उससे क्या होगा। वो कह रहा है कस्टमर फिर मुझे जैसे 100 के बजाय, अभी हम उनको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसने बताया था कुछ, या सिर्फ अमाउंट बताया कि भाई हमने उनको 3,000 का डिस्काउंट दिया। वो कह रहा है अगर हम ये 3,000 का डिस्काउंट नहीं दें तो हमें 3,000 ज्यादा मिलेंगे। तो कह रहा है इससे फिर हम सप्लायर को क्या करेंगे, पैसे दे पाएंगे। तो अब आपने एडवाइस देनी होगी कि भाई ऐसा करें या ना करें। सही है, वेदर और नॉट टू स्टॉप अलाउिंग कैश डिस्काउंट जस्टिफाई करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहली बात ये बताएं कि अगर कस्टमर को डिस्काउंट ना दें तो उससे फायदा क्या होगा, बताएं फायदा क्या होगा डिस्काउंट ना देने से। इनकम बढ़ जाएगी, सही है, एक्सपेंस कम हो जाएगा तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंस। और इससे भाई एक फायदा ये होगा कि पूरे पैसे आएंगे तो हमारा कैश जो है वो इनफ्लो बढ़ जाएगा। सही है, जैसे पहले 10,000 या 1,000 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 5% डिस्काउंट है तो पहले 1,000 के बदले 950 आते थे, अब पूरे 1,000 आएंगे। तो ये फायदा है भाई डिस्काउंट नहीं देने का, लेकिन नुकसान ज्यादा है डिस्काउंट ना देने। कस्टमर्स वो कह रहा है भाई फुल अमाउंट देंगे, सही है ना, ईच इनवॉइस का कोई डिस्काउंट नहीं है, और वो कह रहा है कैश ज्यादा हमें हमारे पास रिसीव होगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो पूरे पैसे हमारे पास रिसीव हो जाएंगे, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा और उससे हम क्या कर पाएंगे, सप्लायर को जल्दी पैसे दे पाएंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कोई भी दो पॉइंट बताने एडवांटेज में। कह रहे हैं बुक कीपिंग जो है वो एंट्रीज कम हो जाएंगी और रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। हाँ, हर एक का डिस्काउंट कैलकुलेट करना वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, पूरे पूरे पैसे आते जाएंगे और उसको हम रिसीव करते जाएंगे। लेकिन क्या कोई नुकसान होगा डिस्काउंट बंद करने से, सेल्स कम हो जाएंगी। डिस्काउंट ये होगा भाई कि सेल्स कम हो जाएगी, वो कस्टमर जो के कहीं और, उनको अगर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिल रहा होगा तो फिर वो कहीं और से माल खरीदेंगे, हमसे नहीं खरीदेंगे। सही है, दूसरी बात यह बेटा कि अगर कस्टमर हम उनको डिस्काउंट नहीं देंगे तो कस्टमर टाइम पे पैसे देंगे या लेट देंगे, लेट पैसे देंगे। तो बोलेंगे यार जल्दी तो हम पैसे इसलिए देते थे, तुम्हारी शक्ल देख के थोड़ी जल्दी पैसे देते थे। वो कह रहे हैं हम इसलिए जल्दी पैसे देते थे कि तुम डिस्काउंट देते थे, अब जब तुमने डिस्काउंट ही देना छोड़ दिया तो हम तुम्हें लेट पैसे देंगे आराम से, जब तुम अपनी मनमानी कर रहे हो तो हम भी अपनी मनमानी करेंगे। तो भाई कस्टमर से जब पेमेंट लेट आएगी तो क्या आप सप्लायर को टाइम पे पैसे दे पाएंगे, नहीं तो उल्टा और डिले हो जाएगा पेमेंट सप्लायर को। जी कस्टमर्स वो कह रहे हैं लॉन्गर लेंगे पे करना, ज्यादा टाइम लेंगे, कस्टमर्स या तो माल कम खरीदेंगे या कहीं और चले जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे, कंपेरेटर्स के पास चले जाएंगे, और रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ हमारा इम्प्रूव होगा या खराब हो जाएगा डिस्काउंट बंद करने की वजह से, खराब हो जाएगा। और पर हम सप्लायर को भी लेट देंगे तो उससे भी खराब हो जाएंगे रिलेशनशिप। पूरे पैसे नहीं दे पाए क्योंकि डिस्काउंट नहीं रिसीव हुआ तो कुछ पैसे रिकवरेबल हो जाए। हाँ, बैड डेट का भी चांस बढ़ सकता है बिल्कुल, क्योंकि भाई कैश डिस्काउंट देने से पैसे जल्दी आ जाते हैं, और जल्दी पैसे आ जाते हैं तो बैड डेट का चांस कम हो जाता है, और जब हम डिस्काउंट बंद कर देंगे तो लोग आराम से पैसे देंगे, और आराम आराम के चक्कर में फिर वो कुछ पेमेंट रह जाएंगी तो बैड डेट का चांस बढ़ जाएगा। कह रहा है बेटा ओवर हाफ ऑफ सेल्स आर मेड फॉर कैश सो द रिमूवल ऑफ कैश डिस्काउंट वुड हैव लिमिटेड इफेक्ट। वो कह रहा है कि अभी भी हमारी 50% से ज्यादा सेल कैश पे है, तो कह रहा है इतना हमें मसला नहीं होगा। सही है, ये कैसे बताया इसने, यहाँ पे बता रहे हैं क्रेडिट और कैश सेल देखें, कैश सेल कितनी है 1,36,000 और क्रेडिट सेल कितनी है 1,24,000। तो कौन सी सेल ज्यादा है, कैश या क्रेडिट, कैश सेल ज्यादा है। तो कह रहा है अगर कैश सेल ऑलरेडी ज्यादा है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे बिजनेस पे
जितना पढ़ना चाहिए। अगर क्रेडिट सेल्स ज्यादा होती तो फिर हम बिल्कुल भी फटा नहीं कर सकते थे कस्टमर से, सही है। और एक मार्क रिकमेंडेशन का होगा, और ये जो आपने बैड डेट का पॉइंट लिखा था ये भी रेलिवेंट है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है ना। इररिकवरेबल डेट वुड इंप्रूव और वुड इंक्रीज, इररिकवरेबल डेट वुड इंक्रीज। सर एक सेकंड पीछे टाइटल ये भेज दूंगा बेटा आपको, पहले सॉल्व कर लूं, सही है, फिर आपको भेज दूंगा ये। अच्छा बाद आगे बढ़ाए बेटा, सी के पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, सी के पार्ट टू में कह रहा है सजेस्ट करे वन अदर एक्शन विच समीर कुड टेक टू इंश्योर दैट ही हैज सफिशिएंट कैश टू पे स्ट्रेट पेबल। तो कह रहा है अगर हम नहीं चाहते कि हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट बंद करें तो और क्या कर सकते हैं हम कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम टाइम पे सप्लायर को पैसे दे पाए, बताए भाई और क्या कर सकते हैं कि अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट ना रोके। जी क्या कह रहे हैं दोबारा बताए, कैश सेल्स ज्यादा करें, कैश सेल्स ज्यादा करें। हाँ अब अगर हम ज्यादा बेटा सेल्स को प्रेफर करें कैश सेल को तो फिर हमें यहाँ डिस्काउंट बंद नहीं करना पड़ेगा, या ये हो सकता है हम कैश सेल ज्यादा करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट लगा दें कैश सेल पे, हो सकता है ना, कैश सेल पे एक एडिशनल डिस्काउंट दे दें ताकि लोग जो है वो क्रेडिट सेल करें ही ना, और जब क्रेडिट सेल करेंगे नहीं तो फिर हमें यहाँ डिस्काउंट बंद नहीं करना पड़ेगा, सही है। ज्यादा सेल ऑलरेडी कैश पे करते हैं तो उससे हमारे पास पैसे जल्दी आ जाएंगे। फिर ये हो सकता है हम जो है वो बैंक से ओवरड्राफ्ट वगैरह का अरेंजमेंट कर लें, सही, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो फिर हम सप्लायर को टाइम पे पैसे दे पाएंगे, या ये भी हो सकता है कि यार सप्लायर से ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांग ले, हो सकता है नहीं, सही ना, सप्लायर से जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे। इंक्रीज इज सेलिंग प्राइस, वो कह रहा है प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ाएंगे तो उससे रेवेन्यू ज्यादा होगा तो हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे, सप्लायर को टाइम पे पैसे नहीं। कह रहे हैं कुछ करके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल करेंगे या अगर ड्राइंग ज्यादा कर रहे हैं तो ड्राइंग को कम कर दें, या कोई सरप्लस बेकार एसेट पड़े हुए तो वो बेच दें, ये बातें कर सकते हैं, ड्राइंग को कम कर दें, या ओनर अपना और पैसा लगा दे, सही है, घर से पैसे ले आए ओनर, या कह रहे हैं भाई शॉर्ट टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट ले लें, क्या कर लें, शॉर्ट टर्म लोन ले लें या ओवरड्राफ्ट ले लें, सही। तो इनमें से कोई भी आपने जो है वो एक पॉइंट लिखना था, इनमें से कोई भी एक पॉइंट लिखना। अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास चल रहा है फरवरी मार्च 2024 का पेपर ओ लेवल अकाउंट्स, और हमारे पास क्वेश्चन है स्पोर्टिंग एक्सीलेंस क्लब के नाम से। क्या कह रहे बेटा, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस क्लब प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इट्स मेंबर्स, सही है जी। कह रहे इट ऑल्सो रन्स अ शॉप वेयर मेंबर्स कैन बाय स्पोर्ट्स वेयर, सही, एक शॉप है और एक क्लब है। अगर आप देखें बेटा दो सालों का डेटा दिया हुआ है, दिसंबर 22 और दिसंबर 23, तो करंट ईयर कौन सा होगा, 22 या 23, करंट ईयर लेटेस्ट वाला होता है ना, करंट ईयर 23 है, सही। तो अगर ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 23 में तो स्टार्ट कब होगा, जनवरी 23, सही, जनवरी 23, तो दिसंबर 22 पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो अगर आप देखो बेटा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स दिया हुआ है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस दिया हुआ है, शॉप की इन्वेंटरी दी हुई है, ट्रेड पेएबल्स दिया हुआ है फॉर शॉप सप्लाईज, द फॉलोइंग टोटल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो अगर आप देखें बेटा यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग टोटल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा, हमारी कैश बुक होती है, सही। तो रिसीट्स का मतलब पैसे आ रहे हैं और पेमेंट का मतलब पैसे जा रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या बेटा, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने, याद है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा, क्लब जो अपने मेंबर्स से फीस चार्ज करता है वो क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है, एक्सपेंस, सही, सब्सक्रिप्शन बेटा हमारे लिए इनकम होती है क्योंकि हम क्लब है, सही, क्लब को पैसे मिलेंगे ना मेंबर्स से। तो अगर हमारा बेटा, अगर आपने जिम खोला हुआ है और जब मेंबर्स आपको पैसे दे रहे हैं तो आपके लिए तो इनकम है ना, तो इनकम बेटा हम इसके लिए हम अप्पा अकाउंट बनाते हैं। तो आपको पता है बेटा दो तरह की इनकम होती है बेटा, एक होती है अक्रूड इनकम और एक होती है प्रीपेड इनकम। तो ये जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में पैसे मिल गए ये अक्रूड इनकम होती है, प्रीपेड होती है, जो एडवांस में पैसे मिल गए बेटा ये हमारे लिए प्रीपेड इनकम होती है। तो प्रीपेड इनकम हमारे लिए एसेट होता है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ आएगा बेटा, डेबिट पे या क्रेडिट पे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट पे आता है, याद है अप्पा अकाउंट है, अप्पा क्यों कहते हैं इसको बेटा, अक्रूड इधर आता है, प्रीपेड इधर आता है, फिर प्रीपेड इधर आता है, फिर अक्रूड इधर आता है, ए पी पी और ए, सही है। तो ओपनिंग प्रीपेड बेटा अगर इधर आ रहा है तो क्लोजिंग प्रीपेड इधर है, एडवांस ओपनिंग कितना है, ये ओपनिंग है ना पिछले साल का क्लोजिंग 610, तो ओपनिंग बेटा अगर लाइबिलिटी इधर आ रही है तो क्लोजिंग कहाँ आएगी, ऑपोजिट साइड पे, सही है। ये इनकम का अकाउंट बना है, एक्सपेंस का अकाउंट इसका ऑपोजिट होता है। और बेटा सब्सक्रिप्शन जो एरियर्स है, एरियर्स का मतलब बेटा मेंबर्स को हमने फैसिलिटीज दे दी लेकिन मेंबर्स ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए,
तो बताएं जो पैसे आने वाले हैं वो हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? जो पैसे आने वाले मेंबर्स से एसेट है ना, तो एसेट का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में। एग्जाम में अक्रूड नहीं लिखते हम, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखते हैं। अगर ओपनिंग अक्रूड डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग अक्रूड कहाँ जाएगा बेटा? क्रेडिट पे। जब पैसे रिसीव होंगे क्लब को तो क्लब क्या एंट्री बनाएगा? बैंक डेबिट। अगर बैंक डेबिट होगा तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर बैंक डेबिट होगा तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। ये आ गया बैंक। और वैसे बेटा हमारी इनकम क्रेडिट होती है बाय नेचर या डेबिट होती है? इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। लेकिन ईयर एंड पे बेटा इनकम को क्लोज करने के लिए क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और कहाँ का रास्ता दिखा देते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की जगह यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि क्लब अकाउंट्स में बेटा इनकम स्टेटमेंट का नाम चेंज है और क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इन सबको ऐड कर लेंगे बेटा, इसमें से दोनों माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और बेटा अगर यहाँ बैड डेट होता है, इररिकवरेबल डेट, तो वो यहाँ आता क्रेडिट साइड पे। क्या एंट्री बनाते हैं? इररिकवरेबल डेट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। और ये भी हो सकता है बेटा कुछ मेंबर्स ने हमें ज्यादा पैसे दे दिए थे, अब हम उनको पैसे क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। तो फिर हम क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? फिर सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर देंगे और बैंक इस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। तो ये भी बैंक है और ये भी बैंक है। इस वाले बैंक के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे रिफंड। क्या लिख देंगे? रिफंड। ये पैसे हम रिफंड कर। सही है। ये वाला जो बैलेंस सीडी है बेटा, ये अगले पीरियड में बैलेंस बीडी बन जाएगा। कहाँ जाएगा? डेबिट पे। सही है। और ये वाला जो बैलेंस है बेटा 570, ये बैलेंस बीडी बन के कहाँ जाएगा? क्रेडिट पे आ जाएगा। अरे एक ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो ये हमने भाई सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया। आगे पार्ट करते हैं भाई बात पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमने बनाना है रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट। रेंट एंड इंश्योरेंस बेटा हमारे लिए क्या? इनकम है, एक्सपेंस? एक्सपेंस। एक्सपेंस में हम बनाते हैं बेटा पाप अकाउंट, याद है? एक्सपेंस भी दो तरह के हो सकते हैं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस। सही। तो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ प्रीपेड अक्रूड का कोई चक्कर है। इंश्योरेंस एडवांस दिया हुआ। एडवांस क्या होता है, प्रीपेड या अक्रूड? एडवांस प्रीपेड होता है। तो बेटा ये जो प्रीपेड हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस बीडी कहाँ आएगा बेटा? एसेट का डेबिट पे। अगर ओपनिंग बैलेंस बेटा डेबिट पे आता है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट पे। यार ये तो पेपर बहुत ही आसान है, सही ना? आईजीसीएसई में बहुत इजी पेपर है। हाँ यार जोहर को आ रहा है इसका मतलब इजी है ना। तो ओपनिंग भाई डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ आ गया? प्रीपेड। क्रेडिट पे आ गया। और देखें इंश्योरेंस का कहीं जिक्र है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिसीट साइड पे होगा या पेमेंट साइड पे? इंश्योरेंस कहाँ आता है, रिसीट्स में या पेमेंट में? इंश्योरेंस बेटा आता है हमारा पेमेंट साइड में, क्योंकि पैसे दे रहे हैं ना जोहर। तो अगर आप देखो भाई क्लब रेंट एंड इंश्योरेंस कितना पे किया? 7390। तो क्या एंट्री बनाएंगे भाई जब इंश्योरेंस पे करेंगे? इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। पहले बैंक किस साइड पे आ रहा था ना इनकम में, अब बैंक किस साइड पे आ रहा है? इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक किधर आ जाए? कुछ भी डेट वेट कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे। सही है। बैंक क्या कैश लिख दें या सिर्फ बैंक भी लिख दें तो काफी है, अगर कुछ ना बोले तो बैंक लिख दिया अगर। सही है। और बेटा वैसे आपको पता है एक्सपेंस डेबिट होता है, लेकिन ईयर एंड पे एक्सपेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे भी हम इनकम स्टेटमेंट के बजाय क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सही है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्लब अकाउंट्स बना रहे हैं ना, और क्लब अकाउंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट की जगह क्या लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी नहीं, गलत होगा ना। क्लब अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। क्लब नॉट फॉर प्रॉफिट, क्लब्स एंड सोसाइटी में हमेशा क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंड। अब आप बेटा इसको बैलेंस कर लेंगे, बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट या क्रेडिट? बड़ी साइड डेबिट आ रही है। जो बड़ी साइड है वो दोनों जगहों पे आ जाएगी और इसमें से माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंड। ये जो बैलेंस सीडी है बेटा वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी करना जरूरी है, इसका एक मार्क होता है। बैलेंस बीडी करने का क्या होता है भाई? एक मार्क होता है। यहाँ तक आ रही है बात? तो ये हो गया बेटा आपका रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट, रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट। आगे क्या कह रहा है बेटा पार्ट सी में देखें। पार्ट सी में बेटा कह रहा है शॉप की परचेजेस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? परचेस। तो बेटा ये जो क्लब अकाउंट्स होते हैं सिंगल एंट्री प्रेमाइस पे बनते हैं, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। आपको पता है अगर सेल्स ना दी हुई हो, क्रेडिट सेल, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? SLCA। और अगर क्रेडिट परचेज ना दी हुई हो तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं भाई? PLCA बनाते हैं। सही है। तो बेटा PLCA हम यहाँ पे बना सकते हैं किसके लिए बेटा? परचेज निकालने के लिए। PLCA किसका अकाउंट होता है? सप्लायर का अकाउंट होता है। सप्लायर हमारे लिए क्या होता है भाई? लायबिलिटी होता है। सही। अच्छा तो बेटा ट्रेड पेबल का अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेड पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है बेटा? लायबिलिटी का, क्रेडिट पे आता है, याद है? और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा भाई? डेबिट पे आ जाएगा। जब हम गुड्स बाय करेंगे बेटा क्रेडिट पे, PLCA, याद है? तो क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट।
और बेटा जब हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या एंट्री बनाते हैं? लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो हम देखते हैं बेटा क्या इस सवाल में ट्रेड पेबल दिए हुए नहीं दिए हुए। देखो दिए हुए तो ओपनिंग कितना है भाई ट्रेड पेबल 2140, ये ओपनिंग होगा। अगर ओपनिंग इधर आ रहा है तो क्लोजिंग ये इधर आ जाएगा। अगर ओपनिंग लाइबिलिटी बेटा क्रेडिट पे आ रही है तो क्लोजिंग कहाँ पे आ जाएगी? डेबिट। परचेज बेटा हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, परचेज हमने फाइंड करना है, सही है। और बैंक का क्या मतलब है? बैंक का मतलब है पेमेंट टू सप्लायर। ये बता रहे हैं हमने सप्लायर को कितना पे किया, ट्रेड पेबल्स कितना पे किया 23290। बैंक के नाम से आ जाएगा ट्रेड पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। क्या आप इसको सॉल्व करके बेटा ये परचेज फाइंड कर पाएंगे? कैसे? बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट या क्रेडिट? बड़ी साइड बेटा डेबिट आ रही है। जो बड़ी साइड है वो दोनों जगहों पे आ जाएगी और जो शॉर्ट साइड है बेटा वो क्या आ जाएगा? परचेजेस आ जाएगा। जो शॉर्ट साइड है वो आ जाएगा परचेजेस। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा, ये हमने ट्रेड पेबल्स का ये अकाउंट बना के पीएलसीए की मदद से क्या निकाल लिया? परचेज। हम डायरेक्टली भी वर्किंग कर सकते थे, उसके भी मार्क्स मिल जाते अगर डायरेक्टली वर्किंग करनी होती तो कैसे करते? तो बेटा अगर हम शॉर्टकट अप्रोच से चलते तो उससे भी मार्क्स मिल जाते। स्टार्ट करते हैं बैंक से, किससे स्टार्ट करते हैं? बैंक। और आपको पता है जो ट्रेड रिसीवेबल होता है या ट्रेड पेबल होता है ये क्या होता है? अक्रूड होता है। क्या होता है? अक्रूड। तो बताओ ईयर एंड पे अक्रूड क्या हो जाता है, प्लस या माइनस? ईयर एंड पे अक्रूड प्लस हो जाता है। तो क्लोजिंग अक्रूड क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। और ओपनिंग क्या कर देंगे? माइनस कर। तो भाई देखो जोहर अगर ऐसे भी करते तो भी मार्क्स मिल जाते। क्या? बैंक प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक कितना है यार? 23290। बैंक में क्लोजिंग प्लस कर रहे हैं और ओपनिंग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा है। बैंक में क्या हो रहा है? क्लोजिंग प्लस हो रहा है, ओपनिंग। तो एक लाइन में भी वर्किंग कर लेते, उससे भी मार्क्स मिल लेते। पार्ट डी में क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इसको खत्म कर लेते हैं। कह रहे बेटा शॉप की इनकम स्टेटमेंट बनानी। अब बेटा यहाँ दो तरह की इनकम स्टेटमेंट बन सकती है, किसकी? एक शॉप की और एक पूरे क्लब की। जो शॉप की इनकम स्टेटमेंट होती है, शॉप बोले या कैंटीन बोले या कैफे बोले या रिफ्रेशमेंट बोले, सही है, सब एक ही चीज होती है। तो शॉप की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है बेटा? यहाँ हर चीज किसकी आती है? शॉप की आती है। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? शॉप का सेल्स या रेवेन्यू। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे शॉप की सेल्स दी हुई है नहीं दी हुई है? दी हुई है शॉप सेल्स। क्या इस सवाल में कोई ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? सिर्फ ट्रेड पेबल दिया हुआ है। इसका मतलब बेटा सेल्स किस पे कर रहे हैं? कैश पे या उधार पे? कैश पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उधार पे कर रहे होते तो ट्रेड रिसीवेबल आ रहा होता ना, कैश पे सेल। तो बेटा ये पूरी पूरी सेल्स यहाँ लिख देंगे, सही है? शॉप सेल्स लिख दें या रेवेन्यू लिख दें, बेहतर है वही लिख दें यहाँ पे जो सवाल में लिखा हुआ है, सेल्स। तो ये बेटा शॉप की सेल्स आ गई। हर चीज किसकी आएगी यहाँ पे? शॉप की आएगी। फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल, सही। एड या लेस लिखने की जरूरत नहीं होती, इससे आपको समझाने के लिखा था। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी चाहिए? शॉप की। देखो दी हुई है भाई ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग कितनी है? 2500। फिर एड करेंगे क्या चीज? परचेजेस। क्या परचेज अभी हमने निकाल लिया भाई? ये पार्ट सी से कितना आ रहा था परचेज? 23620 आ रहा। तो ये परचेज आ जाएगा। ओपनिंग आ गई बेटा, एड परचेजेस लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग। अरे भाई नजर, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। तो इसमें से बेटा फिर क्या करना है? हमने क्लोजिंग को माइनस करना। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है शॉप की या नहीं, चेक करें। ये शॉप इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग 2750। ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग क्या कहलाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यार हमने बात की थी यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कब लिखते हैं? जब सवाल में शॉप के कोई एक्सपेंसेस दिए हुए। क्या दिए हुए भाई? शॉप के एक्सपेंसेस। अगर शॉप का बेटा कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे अंश? डायरेक्टली लिख देंगे प्रॉफिट फ्रॉम शॉप या लॉस फ्रॉम शॉप। तो अब देखते हैं बेटा क्या शॉप के कोई एक्सपेंसेस हैं। बिल्कुल, शॉप की वेजेस दी हुई है। दी हुई है शॉप की वेजेस। कितनी है शॉप वेजेस? 3268। शॉप वेजेस दी हुई है 3268। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में से वेजेस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? शॉप का प्रॉफिट। यहाँ हर चीज बेटा किसकी आती है? शॉप की, कैंटीन की या कैफे की। तो बेटा बिल्कुल नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं, लेकिन हर चीज किसकी लिखनी है? हमने शॉप की। और जो पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट होती है वो यहाँ पे नहीं बनानी, वो उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम होता है? इनकम। उसमें सिर्फ दो हेडिंग आती है, एक इनकम और एक एक्सपेंस, सही। और देख लेते बेटा और कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। शॉप की इनकम स्टेटमेंट बन गई। कह रहा है बेटा अक्यूमुलेटेड फंड का मीनिंग बताना। अक्यूमुलेटेड फंड बेटा यहाँ दूसरा नाम होता है किसका? अक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल का दूसरा नाम होता है, सही है। तो आपको पता है कैपिटल कैसे बनता है? जैसे प्रॉफिट होता है तो उससे कैपिटल बढ़ जाता है, और लॉस होता है उससे कैपिटल कम हो जाता है। तो यहाँ प्रॉफिट की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है सरप्लस, सही है। तो अक्यूमुलेटेड फंड हम लिख सकते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस है। यही लिख सकते हैं कि अक्यूमुलेटेड फंड कैसे बनता है? जो सरप्लस है उससे अक्यूमुलेटेड फंड बढ़ जाता है, और जो डेफिसिट है उससे अक्यूमुलेटेड फंड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या लिखा बेटा? अक्यूमुलेटेड फंड जो होता है ऑफ अ क्लब या सोसाइटी
कंसिस्ट ऑफ द सरप्लसेस लेस डेफिसिट्स। बेटा वो सरप्लसेस पिछले सालों के जो ऐड होते जाते हैं उससे एक्युमुलेटेड फंड बढ़ जाता है, और अगर किसी साल लॉस हो रहा है डेफिसिट तो उससे एक्युमुलेटेड फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विच हैव अराइजन ओवर द लाइफ ऑफ द क्लब, सही है, क्लब की जो पूरी लाइफ है उसमें जितने सरप्लसेस हैं वो हम ऐड कर लें और जितने डेफिसिट्स हैं वो लेस कर दें तो वो क्या बन जाता है, अक्यूमुलेटेड फंड बन जाता है, सही है। तो ये वैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप ये एक ही मांगे तो ये भी लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज, सही है, एट अ पर्टिकुलर डेट, तो वो भी वन मार्क के लिए एक्सेप्टेबल होता है। आगे कह रहा है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ये क्लब की मेन इनकम स्टेटमेंट होती है बेटा, जिसमें दो चीजें आती हैं, क्या चीज, इनकम्स और एक्सपेंडिचर, और अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस से तो डिफरेंस क्या कहलाता है, सरप्लस फॉर द ईयर, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, डेफिसिट फॉर द ईयर, क्या कहलाएगा, डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा क्या होता है क्लब का, वो बताता है सरप्लसेस, सॉरी सरप्लसेस नहीं, सरप्लस या डेफिसिट फॉर द ईयर, सरप्लसेस जो होते हैं वो उसमें आते हैं अक्यूमुलेटेड फंड, क्योंकि वो एक से ज्यादा सालों के होते हैं, यहाँ सिर्फ एक साल का होता है। इट हैज मेड बाय डिडक्टिंग द एक्सपेंस फ्रॉम हिज इनकम्स, तो बेटा जितना हमने इनकम कमाई उसमें से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस एक्सपेंस से, और अगर एक्सपेंस ज्यादा इनकम से तो क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास फरवरी मार्च का पेपर है बेटा IGCSE का अकाउंटिंग का, और क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं सारा के नाम से। तो कह रहा है बेटा सारा जो ट्रेडर, शी हैज प्रिपेयर्ड अ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023। तो अगर आप देखें 23 के इन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, और आगे क्या कह रहा है बेटा, दिस शो द प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इस साल इनको प्रॉफिट हुआ है 23 में कितना, 20180। She has closed the ledger account for income and expenses and has transferred the closing inventory to the income statement. तो अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, inventory का account. अगर आप देखो यहाँ पे कुछ ledger account balances दिए हुए हैं, premises है, fixture है, cost, accumulated depreciation है, inventory दी हुई है 31st December. तो ये क्या closing inventory की बात हो रही है, opening? ये closing inventory, क्योंकि इसने bracket में clearly लिखा है 31st December मतलब closing. Trade receivable दिया हुआ है बेटा, provision for doubtful debt दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश है, लोन है, वेजेस अक्रूड है, और कैपिटल ओपनिंग दिया हुआ, ड्रॉइंग दी हुई। पहली रिक्वायरमेंट क्या बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट एक जमाने में टेस्ट होता था, फिर 15 साल तक इन्होंने इन्वेंट्री अकाउंट को भूल गए, एग्जामिनर जो है इन्वेंट्री अकाउंट भी कोई चीज होती है, सही है, फिर इनकी मेमोरी वापस आई, बोले यार इन्वेंट्री अकाउंट तो हम टेस्ट ही नहीं कर रहे आजकल। तो 2023 से इन्होंने दोबारा इन्वेंट्री अकाउंट टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब हम देखते हैं बेटा इन्वेंट्री अकाउंट कैसे बनता है। तो पहली बात तो ये हम ये पढ़ते थे बेटा कि जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हम इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करते बल्कि परचेज को डेबिट करते हैं, सही होता है। जब हम गुड्स सेल करते हैं बेटा तो हम इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करते बल्कि सेल्स को क्रेडिट करते हैं। जो माल हमने कस्टमर्स को बेचा था अगर वो वापस आ गया तो हम इन्वेंट्री को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करते हैं। और जो गुड्स हमने क्रेडिट पे बाय की थी वो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, तो हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करने के बजाय परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट करते हैं। तो बेटा वो कॉन्सेप्ट तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अब इन्वेंट्री अकाउंट आ गया तो जब गुड्स बाय या सेल करें या रिटर्न करें तो सब इन्वेंट्री में प्लस माइनस करना शुरू कर दें। इन्वेंट्री अकाउंट एक एडजस्टमेंट अकाउंट है जो कि सिर्फ शो होता है, यूज होता है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। किसको भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप देखो बेटा ये जो 1st January है, क्या ये ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग है, 1st January ओपनिंग है। मुझे एक बात बता दे बेटा, इन्वेंट्री हमारे लिए एसेट होता है या लायबिलिटी, एसेट होता है, तो एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस का आएगा भाई इन्वेंट्री का, डेबिट पे आ जाएगा, ये तो आ गया ओपनिंग बैलेंस। अब मुझे एक बात बताए बेटा, बात ये है कि अगर आपको याद हो कि कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है, याद है कॉस्ट ऑफ सेल, जी कॉस्ट ऑफ सेल का बेटा एक फॉर्मेट आपने पढ़ा है और वो फॉर्मेट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, सही है, एड परचेजेस, याद है, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्या आ जाता है बेटा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो पढ़ा है ना, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, ये तो नींद में भी आप गलत नहीं कर सकते। तो अब ये हमारे पास आ गया क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स का बेसिकली ये फॉर्मूला होता है छोटा सा, ओपनिंग एड परचेज, और भी इसमें चीजें आती है, कैरिज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब मुझे बताएं बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है या लेस होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड हो रही है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो डेबिट हो रही है, क्या हो रहा है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हम ये कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही। अगर इनकम स्टेटमेंट बेटा डेबिट हो रही है तो इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के बेटा डबल एंट्री क्या बनाएंगे? डबल एंट्री ये बनाएंगे बेटा कि अगर आप देखो कि ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है इस साल, क्या ये इन्वेंट्री बिक गई या नहीं बिकी? बिक गई ना, पहले की इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, तो इस साल तो बेचा होगा इसको या नहीं? तो जब इन्वेंट्री बेचेंगे तो उसको इनकम स्टेटमेंट में या कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करेंगे या नहीं? तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम स्टेटमेंट डेबिट। ओपनिंग इन्वेंट्री की क्या एंट्री बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम स्टेटमेंट डेबिट। और जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है बेटा उसको हम क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो पता ये चला बेटा कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये जो हमने एंट्री बनाई है किसकी बनाई? ये हमने एंट्री बनाई ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है, इन्वेंट्री एसेट है, उसका नेचर क्या होता है बताओ? डेबिट। अब इन्वेंट्री अकाउंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा इसको? कॉस्ट ऑफ सेल में या इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो हमने एंट्री सीखी बेटा ये किसकी थी? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जितनी इन्वेंट्री ओपनिंग में पड़ी हुई है उसको हम इस साल कहां ट्रांसफर कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट। ये आसान है, जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी कहां ट्रांसफर कर देंगे? तो बताओ इन्वेंट्री का अकाउंट क्लोज हो गया या नहीं हो गया? क्लोज हो गया। ये तो हो गई बेटा एंट्री ओपनिंग की। अब क्या इस सवाल में जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इसने हमें बताई या नहीं बताई? क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बताई। तो अब आप देखो बेटा इस सवाल में हमें जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी जो है वो दी हुई है। सही है। तो बेटा ये ओपनिंग इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट में आ गई। अब आ जाते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। यार मुझे बताएं ईयर एंड पे जो स्टॉक बच गया, सही है, क्या वो हमारे लिए प्रीपेड है या नहीं? जो स्टॉक बच गया ईयर एंड पे वो प्रीपेड होता ना, तो जो स्टॉक बच गया वो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। तो बेटा अब हम एंट्री बनाएंगे इन्वेंट्री डेबिट। ईयर एंड पे जितना स्टॉक बच गया वो एसेट है ना। और बताएं जो स्टॉक बच गया ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब ये इस साल बिकेगी या अगले साल? हाँ सुने, ये अगले साल बिकेगी। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक एसेट के तौर पे या प्रीपेड के तौर पे कह सकते हैं। तो बेटा जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? अब हम ये एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी। पहले हमने बेटा जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसको सेल की इस साल, तो हमने क्या एंट्री बनाई? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब जब हम ये स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग, तो बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है या कम हो रही? कम हो रही है। तो अब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी बेटा। तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी और इन्वेंट्री एसेट है तो इन्वेंट्री का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो देखिए इन्वेंट्री को हम डेबिट कर रहे हैं और रेफरेंस में अब क्या लिख रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। इन्वेंट्री को डेबिट कर रहे हैं, रेफरेंस में इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो अभी हमने एंट्री बनाना सीखी थी बेटा, अब ये एंट्री हम रिवर्स कर देंगे। अब इन्वेंट्री चूंकि करंट एसेट है या एक तरीके का प्रीपेड है, तो इस इन्वेंट्री अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जो इनकम स्टेटमेंट है या जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कैसे हो रही है सर? अगर आप देखो ना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल प्लस हो रही है माइनस हो रही है? बताओ कॉस्ट ऑफ सेल बेटा माइनस हो रही है यहाँ पे, ऐसा ही है ना? तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से। तो बेटा हमारी इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी और इन्वेंट्री एसेट के तौर पर डेबिट हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे? दोबारा क्लोज करेंगे। अब बताएं ये जो स्टॉक बिका तो नहीं है ना, ये बच गया ना, तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए जो शॉर्ट साइड है वहां पे क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी आ जाएगा। सही है। तो ये हमारा बैलेंस सीडी आ गया। और बेटा अब इनको हम दोनों को टोटल कर लेते हैं। ये जो बैलेंस सीडी बच गई बेटा इन्वेंट्री इस साल, क्या ये इस साल की क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी या नहीं? ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो जितनी बेटा इस साल की क्लोजिंग पड़ी हुई है वही नेक्स्ट ईयर बन जाएगी ओपनिंग। तो अब आप देखो मैंने इसको जो है वो दो दफा टोटल किया यहाँ पे एग्जामिनर ने। और हम ये भी कर सकते थे, इसका एक और तरीका ये हो सकता था कि हम यहाँ पे इसको ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रांसफर करके अभी क्लोज ना करते, सही है ना? इसको अभी क्लोज ना करते, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करके फिर एक साथ क्लोज करते, तो उससे भी बात वही होती, आंसर सेम आता। कैसे? ये जो बैलेंस बीडी है ये कौन सी है? ओपनिंग है। और ये जो 6275 है क्लोजिंग है। इन दोनों को ऐड कर दें और ये जो टोटल है दोनों जगहों पे लिख दें, तो इन दोनों का जो टोटल है इसमें से ये माइनस कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट जो बचेगा वो यही आंसर आ जाएगा। सही है ना? बस टोटल में फर्क आएगा, बाकी सेम। सर टोटल का मतलब इसके नीचे वापस जी आपने टोटल दो लाइन लगा दी क्या है ना? हाँ फिर हमने यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर टोटल ये नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करके अमाउंट कुछ और आएगा। तो फिर वो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये कह रहे भाई अगर 62575 है तो उसका टोटल भी तो यही आएगा,
तो दोबारा 6275 टोटल लिखने का फायदा नहीं है, वो तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। तो अगर एक ही आइटम है और वही टोटल है तो उसी को क्या करते हैं, रूल ऑफ करते। तो भाई ये इन्वेंट्री के समझ आ रही है, एंट्रीज बहुत आसान है। तो बस बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री को भी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और क्लोजिंग भी इनकम स्टेटमेंट से। लेकिन फर्क यह है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो एसेट है, लेकिन जब वो स्टॉक बिक जाएगा तो उसको कहाँ चार्ज कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट। और बेटा जो स्टॉक बच गया वो हमारे लिए क्या, एक एसेट हो गया, सही है। और अब इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो रही है, अगर इन्वेंट्री डेबिट हो रही है तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही इन्वेंट्री अगर डेबिट पे पड़ी हुई थी बेटा तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री को अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो। तो यार अगर आप देखो ओपनिंग इन्वेंट्री में इनकम स्टेटमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सही। क्यों? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में क्या होती है, ऐड होती है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो रही है बेटा, अगर इन्वेंट्री डेबिट हो रही है तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ सेल निकालते वक्त माइनस हो रही है, सही है ना। तो बस दोनों की ऑपोजिट एंट्री है, सही है। और ये जो बैलेंस शीट इस साल की जो क्लोजिंग है वो अगले साल क्या बन जाएगी, ओपनिंग। तो इंशाल्लाह इसके हम और भी सवाल देख लेंगे इन्वेंटरी के, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इस पे। तो बेटा आगे बात बढ़ाते हैं, आगे हमने क्या करना है बेटा, कैपिटल का अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट बेटा आपने पहले भी दो तीन दफा पढ़ चुका है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो बैलेंस बीडी कहाँ आएगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट पे आएगा। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, दिसंबर 23 में, तो ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा, जनवरी 23। तो आप बताएं बेटा इस सवाल में क्या ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, हमें ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, तो कैपिटल का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। और बेटा जो प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है। क्या इसने खुद ही बता दिया हमें इस साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो क्या एंट्री बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यार मुझे एक बात बताओ, कैपिटल जब प्रॉफिट होगा तो उससे कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम इस साल का प्रॉफिट हम इनकम स्टेटमेंट से हटा के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्रेडिट पे आ रही होगी, उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। अगर इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी जी, प्रॉफिट इनकम है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में लिख भी दे तो ज्यादा बेहतर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और अगर लॉस होगा, शुक्रिया, अगर लॉस होगा तो बेटा फिर इनकम स्टेटमेंट कहाँ लिख देते, डेबिट पे लिख देते और ब्रैकेट में लिख देते लॉस फॉर द ईयर। और क्या होता है बेटा, कैपिटल किस चीज से बढ़ता है या कम होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या यहाँ पे इसने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, नहीं की, ड्रॉइंग की है जी। बेटा क्या करे, लोन बेटा इसमें नहीं आता, लोन का अलग अकाउंट होता है, ये सिर्फ ओनर की इन्वेस्टमेंट है। अगर ओनर और पैसा इन्वेस्ट करेगा एज अ ओनर तो फिर उससे कैपिटल बढ़ जाएगा। हम एंट्री बनाएंगे बैंक या गाड़ी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इधर आएगी क्रेडिट साइड पे और ड्रॉइंग दी हुई है। तो बताएं यहाँ कैश ड्रॉइंग आती है, गुड्स ड्रॉइंग आती है, टोटल ड्रॉइंग आती है, टोटल ड्रॉइंग आती है। तो ड्रॉइंग से बेटा कैपिटल कम हो जाए, ड्रॉइंग की डबल एंट्री क्या बनाते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट में बेटा बैलेंस शीट ही नहीं आता, ड्रॉइंग अकाउंट में कभी भी बैलेंस शीट ही नहीं आता। जितनी इस साल की टोटल ड्रॉइंग है वो ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल में। तो ड्रॉइंग का नेचर क्या होता है बताओ, डेबिट या क्रेडिट, ड्रॉइंग डेबिट होती है, लेकिन ईयर एंड पे ड्रॉइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर ड्रॉइंग क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल डेबिट हो जाए, सही, कैपिटल डेबिट और ड्रॉइंग। और बेटा जो कैपिटल बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी, सही है। तो जो बड़ी साइड आ रही है वो दोनों जगहों पे लिखेंगे, जो बच गया वो बैलेंस सीडी। और ये जो बेटा इस साल का क्लोजिंग कैपिटल है यही अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो इसने बताया भी है बेटा कि आप कैपिटल को जो है उसका बैलेंस बीडी निकालें, इस साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा बेटा, ओपनिंग बन जाएगा। तो इसके कितने मार्क्स मिल गए आपको, 3 मार्क्स मिल गए। तो बेटा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी इस सवाल में, इस सवाल में बेटा आपने एसओएफपी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो एसओएफपी आपको पता है 3 कॉलम से बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है बेटा, नॉन करंट एसेट्स, 3 कॉलम जो बनाते हैं उसका क्या नाम होता है, कॉस्ट, क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और एनबीवी, नेट वर्क वैल्यू। तो पता है बेटा इस सवाल में कोई नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास, तो एक एक करके देख ले बेटा इस सवाल में नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से। सबसे पहले प्रेमिसेस, क्या प्रेमिसेस में कोई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब बेटा जो प्रेमिसेस की कॉस्ट है वही हम लिख देंगे, प्रेमिसेस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का कोई सीन नहीं, तो प्रेमिसेस की जो कॉस्ट है वही लिखेंगे और प्रोविजन को डैश लगा दे और एनबीवी भी कितनी आ जाएगी, 1 लाख। दूसरा कौन सा बेटा नॉन करंट एसेट है प्रेमिसेस के बाद, फिक्स्चर एंड फिटिंग, फिक्स्चर एंड फिटिंग की कॉस्ट लिख दें कितनी है, 40। क्या इस साल कोई नया तो बाय नहीं किया नोट्स में, नहीं ना, तो नोट्स तो है नहीं यहाँ पे, तो सीधा सीधा बेटा ये फिक्स्चर की कॉस्ट आ गई। प्रोविजन, क्या बेटा पहले से प्रोविजन दिया हुआ है और इस साल का बेटा निकालना है या ऑलरेडी निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। कैसे पता चला इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है, कैसे पता चला आपको,
वो कह रहा है प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट कर लिया है इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट बन चुकी होगी ना। अगर इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है तो इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुकी होगी, ऐसा ही है ना। तो हम यही लिख देंगे सीधा सीधा प्रोविजन कितना है 15 था, तो बेटा 40 में से अगर 15 वैल्यू गिर गई तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, सही है। कितनी आ गए भाई 40 माइनस 15। अच्छा बेटा आप देखें यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है, कितना प्रोविजन है बेटा, प्रोविजन लिख दें 15,000 कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो एनबीबी आ जाएगी। बेटा कॉस्ट और प्रोविजन का काम खत्म हो गया, चाहे तो इनका टोटल लिख दें, अगर ना चाहे तो ना लिखें, एनबीबी इंपॉर्टेंट है, एनबीबी का टोटल आपने लिखना पड़े। नॉन करंट के बाद क्या आता है बेटा, करंट एसेट बताएं, करंट एसेट कौन कौन सा, सबसे पहले इन्वेंट्री, ओपनिंग आएगी या क्लोजिंग, क्लोजिंग आएगी। देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा यहाँ दी हुई थी सवाल में, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6275 सही। इन्वेंट्री के बाद क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल, क्या हो गया, अच्छा बेटा इन्वेंट्री हो गई और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल का क्या होता है भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आप देखें बेटा दिया हुआ 8540 दिया हुआ, सही है, और ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 8540, इसमें से क्या माइनस करते हैं लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट बेटा इन्होंने खुद ही निकाला हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, जो जो चीजें दी हुई है वो लिखते जाए, इन्वेंट्री में से बेटा सॉरी ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन माइनस कर देंगे, नेट हो गया। और क्या आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल के बाद आता है अदर रिसीवेबल, जो कि क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, कोई नहीं है यहाँ पे अदर रिसीवेबल नहीं है। और इसके अलावा क्या आता है बैंक या कैश, बैंक भी बेटा ओवरड्राफ्ट है वो भी नहीं आएगा, कैश आएगा, कैश इन हैंड। तो बेटा ये करंट एसेट्स हो गए, इनको ऐड कर देंगे तीनों को, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, एसेट साइड हो गई। एसेट्स के बाद क्या आता है बेटा कैपिटल एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडर के अंदर बेटा कैपिटल कैसे आता है, सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, दिया भाई ओपनिंग कैपिटल 115793 ओपनिंग कैपिटल। अच्छा यहाँ तो बोला हुआ भी था ओपनिंग, लेकिन अगर ना भी बोले तो क्या अज्यूम करेंगे, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ओपनिंग है। उसके बाद बेटा ओपनिंग कैपिटल में हम एक चीज ऐड करते हैं, वो क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्या प्रॉफिट दिया हुआ था ऊपर, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स बेटा यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग आती है, और ड्रॉइंग एक ही दी हुई है तो हम अज्यूम करेंगे यही टोटल ड्रॉइंग है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है बेटा इसमें मेंशन नहीं करना होता है क्लोजिंग कैपिटल है, एज इट इज लिख देंगे। एसेट साइड हो गई बेटा, कैपिटल हो गई, और आखिरी चीज क्या है लायबिलिटी, सही है। तो अब एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है और एक करंट, क्या इस सवाल में कोई लोन वगैरह दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन। अगर ये लॉन्ग टर्म ना भी लिखता तो क्या अज्यूम करते लोन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, अनलेस के लिखा हुआ हो कि शॉर्ट टर्म लोन, सही। अगर कुछ ना लिखा होगा तो लोन क्या होगा लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा क्या होता है बेटा लोन के अलावा, अच्छा बेहतर है जो है ना लॉन्ग टर्म लोन लिख दें, सही। एग्जामिनर खुद तो जो है वो कुछ भी मर्जी से लिख लेता है, अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन बच्चे के फिर वो मार्क्स काट लेता है कि यार आपने लॉन्ग टर्म क्यों मेंशन नहीं किया ऐसे ना। तो बेहतर है कि जो नाम लिखा हुआ है वो ही लिख दें, अपना टैलेंट ना दिखाएं। तो ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। उसके बाद क्या बेटा आपका करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या आता है ट्रेड पेबल्स, सही है। एक तो ट्रेड पेबल दिए, और क्या आता है बेटा ट्रेड पेबल के अलावा अदर पेबल, अदर पेबल में ये आएगा अक्रूड वेजेस, अक्रूड वेजेस, सही जी, अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम। तो बेटा करंट लायबिलिटी में क्या आता है ट्रेड पेबल्स, वो भी दिए हुए हमें, और अदर पेबल्स में आ जाते हैं अक्रूड एक्सपेंस। यहाँ अक्रूड एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ है बेटा, वेजेस अक्रूड दिया हुआ है। अच्छा लोन इंटरेस्ट तो नहीं है यहाँ पे, लोन इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लोन की परसेंटेज नहीं दी हुई, अगर परसेंटेज दी हुई होती तो लोन इंटरेस्ट भी हमें अक्रूड करना पड़ता, सही है ना। जब तक वो ये ना बोले लोन इंटरेस्ट पे कर दिया, हम क्या अज्यूम करेंगे अक्रूड। और क्या आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा वो भी करंट लायबिलिटी। तो बेटा ये करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया। एसेट साइड हमेशा बराबर आती है कैपिटल लायबिलिटी, तो बेटा एसेट साइड हमेशा बराबर आती है जुनैर किसके, कैपिटल एंड लायबिलिटी या इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये बेटा हो गया आपका एसओएफपी, आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा क्वेश्चन में, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, सारा इज कंसिडरिंग परचेजिंग का डिलीवरी व्हीकल। She thinks that her sales would increase if she was able to deliver the goods to her customer. तो बात सही भी लग रही है कि भाई हम delivery अभी नहीं दे रहे, service अगर delivery भी दे दें तो हमारी sale बढ़ जाएगी। She would charge, हाँ रफे, she would charge a small amount to her customers to cover the cost of delivery. Obviously बात है कह रहे हैं free में तो नहीं देंगे delivery, लेकिन इसके कुछ charges लेंगे small amount.
एडवाइस करें वेदर नॉट शुड शुड परचेज द डिलीवरी व्हीकल जस्टिफाई आंसर प्रोवाइडिंग टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ परचेज अ व्हीकल। तो बताएं बेटा अगर डिलीवरी भी हम दें और उसके लिए व्हीकल बाय कर लें तो उसके फायदे क्या होंगे? सेल्स बढ़ जाएगी, सही। और ये भी हो सकता है डिलीवरी जो चार्जेस हम लें उसमें भी हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए, डिलीवरी चार्जेस में ना। व्हीकल की बात कर रहा है ना, तो वो जो डिलीवरी व्हीकल हम बाय करेंगे तो कह रहे हैं कि जो चार्जेस है वो इनकम होगी, तो उससे हमारी लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। और डिलीवरी व्हीकल बाय करने से और क्या फायदे होंगे? मार्केट शेयर हमारा बढ़ सकता है, सही है, हमें एक कम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा अपने उन सप्लायर्स के ऊपर जो खुद डिलीवरी नहीं कर रहे लेकिन हम डिलीवरी कर रहे, सही है। तो कह रहे हैं भाई हम सेल कर पाएंगे इन अ वाइडर एरिया, सही। अभी हमारे पास दूर के कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार अब इतना दूर कौन जाए, अगर हम उनको डिलीवरी सर्विस भी दे दें तो वो फिर दूर वाले भी कस्टमर हमसे खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है या हमारा एरिया कवरेज बढ़ा। तो वो कस्टमर्स जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है और फिर कस्टमर्स का जब टाइम सेव होगा तो वो भी उसके लिए हमें प्रेफर करेंगे। इससे कह रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा या नेट प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। कोई दो पॉइंट लिखना है बेटा कि क्यों हमें डिलीवरी व्हीकल बाय करनी चाहिए, सही। डिलीवरी चार्ज वुड हेल्प टू ऑफसेट व्हीकल रनिंग कॉस्ट, जैसे तुमने व्हीकल को बाय करने का बोला ना, इन्होंने बोला वो कह रहा है जो चार्जेस हमें मिलेंगे उससे हमारी जितनी कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। डिलीवरी व्हीकल में बी यूज टू एडवर्टाइज द बिजनेस। अब देखें ये अच्छा पॉइंट दिया है क्योंकि डिलीवरी व्हीकल के ऊपर, डिलीवरी वैन के ऊपर भी आपको पता है ब्रांडिंग हुई भी होती है, ऐसे ही होता ना कि भाई जैसे जो है वो स्टोर्स है, जैसे यूनाइटेड किंग है उसकी आपने देखी होगी अक्सर गाड़ी घूमती रहती है, बटलर्स वालों की यहाँ खड़ी भी होती है गाड़ी ना, सही है। तो उसके ऊपर जो अपनी ब्रांडिंग हुई भी होती है वो एक एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, तो अगर हम बाहर वालों को से भी एडवर्टाइज करवाते हैं तो हमें अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। अगर अपनी गाड़ी ले लें और उसी पे ब्रांडिंग हो जाए तो उससे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी सेव हो सकती है। कह रहा है बेटा करेंटली हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं है और अगर हम और व्हीकल ले लें जो कि पहले है ही नहीं तो उसको हम और यूज में भी ला सकते हैं। और यूज क्या बोला इन्होंने, परचेजेस जब हम कर रहे होंगे तो उस वक्त वो कैरेज इन्वर्ट के तौर पर भी यूज हो सकती है, ऐसा ही है ना। एक तो हम कस्टमर्स को डिलीवर करने में काम में ला सकते हैं और वही गाड़ी हम यूज कर सकते हैं सप्लायर से माल खरीदते वक्त। हो सकता है सप्लायर बोले कि भाई मैं अगर डिलीवर करूंगा तो इतने पैसे लूंगा, तो हमने बोला तुम नहीं करो हम अपनी गाड़ी भेज रहे हैं, सही है ना। तो सप्लायर से भी माल खरीदने में वो गाड़ी हेल्प करेगी और कस्टमर को डिलीवर करने में भी हेल्प मिलेगी, तो कैरेज इन्वर्ट कम हो जाएगा, बिल्कुल कैरेज इन्वर्ट सेव हो जाएगा उससे हमारा। तो बेटा कोई नुकसान भी हो सकता है नई गाड़ी बाय करने के, हाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है हमारी लिक्विडिटी हमारे पास इतनी हो ही ना नई गाड़ी खरीदने के, हमारे पास पैसे ही ना हो कि हम नई गाड़ी क्या कर पाए बाय कर पाए जी, चेक कर लेते। तो बेटा वो कह रहा है ऑलरेडी हमारा बैंक माइनस में जा रहा है, ओवरड्राफ्ट में जा रहा है और हमारे ऊपर ऑलरेडी एक लोन है, तो कह रहा है गाड़ी खरीदने के लिए एक तो पैसे है नहीं, अगर आप लोन पे लेते हैं तो हमारा ऑलरेडी बैंक में लोन है तो लोन और बढ़ जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए, जब लोन लेंगे तो उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा, हो सकता है हमारे पास प्रॉपर पार्किंग ना हो, ये भी बात कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की ना, तो हो सकता है उसके लिए भी ड्राइवर रखेंगे तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सही है डिलीवरी के लिए। रनिंग कॉस्ट बेटा उन्होंने बताया जैसे फ्यूल है गाड़ी का, इंश्योरेंस है, कोई भी दो पॉइंट लिखना है। कह रहा है बेटा उससे हमारी जो सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट है needs to be at least sufficient to cover the vehicle running cost. वो कह रहा है भाई कि गाड़ी का जितना खर्चा आएगा कम से कम उतनी हमारी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए या जीपी बढ़ना चाहिए, और अगर वो कह रहा है रेवेन्यू बढ़ा नहीं तो हो सकता है हमारा खर्चा ना निकल पाए गाड़ी को रखने का। कह रहा है बेटा उसकी लाइफ लिमिटेड होगी और उसके बाद वो व्हीकल हमें रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो जो डिलीवरी व्हीकल है आपको पता है उस पर लोड ज्यादा होता है तो वो सारी जिंदगी हम यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ अरसे के बाद फिर हमें नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तो वो चक्कर नहीं होता, यहाँ तो 25-25, 30-30 साल चलाते हैं, लेकिन वहां आपको पता है रूल्स होते हैं ना जिनके हम अकाउंटिंग पड़े यूके वगैरह की, तो 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी यूज नहीं कर सकते क्योंकि पॉल्यूशन होता है, तो इसके लिए वो कह रहे हैं फिर गाड़ी बदलनी भी पड़ सकती है। फिर रोड लाइसेंस वगैरह की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। वो कह रहे हैं पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकता है अनविलिंग हो टू पे द डिलीवरी चार्जेस,
खास तौर पे आप देखें ना, जैसे पाकिस्तान में अब यहाँ ऑनलाइन कितनी कोशिश कर रहे हैं लोग ग्रोसरी, लेकिन खवातीन जब तक जाके वहां पे 1-1.5 घंटा जाया ना करें, सही है, हेलो आए करने में, सारी चीजें रखने में, तो इसलिए उनको मजा ही नहीं आता। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, हमें कोई डिलीवरी नहीं चाहिए, हम खुद आएंगे, सही है ना, और थोड़ा सा हमारी आउटिंग हो जाती है इस बहाने। ये भी होता है बहुत से लोग जो है ना वो हाइपर स्टार वगैरह आप देखें ऐसे घूम रहे होते हैं, सही है, उनको बस शौक होता है कि यार देखें जरा चीजें, हाँ घूमने फिरने का। तो हो सकता है अगर ऐसे कस्टमर्स हैं आपके तो बोलेंगे यार नहीं हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, बल्कि हमारा तो ये रूट है, हमारा तो आना जाना होता है, तो हम खुद ही आके ले लेंगे इम्तियाज पे, हमें क्या जरूरत है ऑनलाइन लेने। तो एक मार्क जो होगा वो होगा रिकमेंडेशन का, 2 पॉइंट फेवर में और 2 पॉइंट अगेंस्ट में। जी और बेटा पार्ट ई है, लास्ट रिक्वायरमेंट है इस सवाल में, फिर अगला सवाल देखना है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू बेटा वो रिसीट है जो डे टू डे बेसिस पे होती है, और इसमें एक और पॉइंट होता है जो हमारे मेन बिजनेस का पार्ट होती है, जो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का पार्ट होती है वो रेवेन्यू रिसीट। वो पैसे जो हमारा कोई हमारे मेन बिजनेस से हटके, जैसे हमने कोई गाड़ी बेच दी, कोई फर्नीचर बेच दिया, तो वो कैपिटल रिसीट होती है। तो रेवेन्यू रिसीट बेटा वो अमाउंट्स हैं जो रिसीव हुए हैं बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स यूजुअल ट्रेडिंग या सर्विस एक्टिविटी। जो यूजुअल ट्रेडिंग है हमारा, सही है ना, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो रेवेन्यू रिसीट होते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा, अगर हम कपड़ा बेच रहे हैं तो कपड़ा बेच के जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट, सही। अगर हमारी मोबाइल फोन शॉप है तो मोबाइल जो रिपेयर कर रहे हैं वो भी रेवेन्यू रिसीट, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो गुड्स बेच रहे हैं वो भी रेवेन्यू रिसीट, सही है। जैसे वो होता है ना अदर इनकम्स, तो वो भी सारी रेवेन्यू रिसीट होती है, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, वो भी रेवेन्यू रिसीट होती है, और जो गुड्स बेच रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है वो भी क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है। चलो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, हमारे पास आखिरी सवाल है, कौन सा पेपर है भाई, फरवरी मार्च 2024 का, और आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, किस नाम से बेटा, सुनीता के नाम से। सुनीता इज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, सही भाई, ट्रायल बैलेंस बना लिया इन्होंने, एंड अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड ड्राफ्ट अकाउंट बनाए, और उनको मिले हैं 6 किस्म के एरर्स, 6 एरर्स हैं, और आपने क्या करना है बेटा, जनरल एंट्री बनानी है टू करेक्ट एरर 1 ओनली, सबकी एंट्रीज नहीं बनानी, सिर्फ एरर 1 की बनानी है। नैरेटिव भी लिखना है इसका, नैरेटिव मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन, कह रहा है बेटा पहली एंट्री देखते हैं, देखें इंपॉर्टेंट लग रही है क्योंकि 4 मार्क्स दिए इसने और 1 मार्क नैरेटिव का होगा, 3 मार्क की एंट्री है। कह रहा है बेटा जी, कह रहा है द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न जनरल फॉर नवंबर 2023 कितना है बेटा, सेल्स रिटर्न 3524 रुपए हैड बीन क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। तो बेटा सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, हमने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, क्या परचेज का कोई काम था या नहीं था, परचेज तो हवाई फायर के बीच में आ गया ना, तो बेटा परचेज जिसको गलती से आपने क्रेडिट कर दिया था, अब उस परचेज को क्या करने का वक्त आ गया है, डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि गलती से क्रेडिट किया था। और जब सेल्स रिटर्न है वो डेबिट होता है या क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए क्योंकि गुड्स आ रही है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, परचेज भी डेबिट हो जाएगा। जब दोनों चीजें डेबिट हो रही हैं तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा बेटा आपका सस्पेंस, जहां कुछ नहीं आता वहां पे सस्पेंस, तो दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा सस्पेंस। तो बेटा अब नॉर्मली तो सस्पेंस वालों का वो नैरेटिव बोलता नहीं है, लेकिन बोल रहे तो यहाँ हम लिखते हैं, एग्जामिनर ने लिखा है भाई नैरेटिव बीइंग करेक्शन, किस चीज की करेक्शन है, टू पोस्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल फॉर नवंबर। तो कह रहा है सेल्स रिटर्न जर्नल की पोस्टिंग हमने गलत कर दी थी, अब उसकी पोस्टिंग को सही कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के बजाय हमने गलती से कौन से अकाउंट में पोस्ट कर दी थी, एंट्री परचेज में, सही है ना, तो अब सेल्स रिटर्न की जगह हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट में डाल। आगे क्या कहता है बेटा, ये 4 मार्क्स मिल रहे, आगे हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है और वो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है या फाइंड करना है, फाइंड करना है। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे भी आ सकता है, क्रेडिट पे भी, हमें कैसे पता चलेगा, तो एक लाइन छोड़ देते हैं डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। अब एक एक करके हम एंट्री बनाते हैं, देखो पहली एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। अब बताओ एक रीजन की वजह से क्रेडिट हो रहा है या दो सेपरेट रीजन की वजह से, तो दो अलग अलग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी बेटा, एक परचेज के नाम से और एक सेल्स रिटर्न के नाम से। तो 3524 है परचेज के नाम से और 3524 है सेल्स रिटर्न के नाम से। अब बाकी एंट्रीज बनाई नहीं हमने, अब हमें बनानी पड़ेंगी, ऐसा ही है ना, हमें देखना पड़ेगा कौन सी एंट्री में सस्पेंस आ रहा है। कह रहे परचेज जनरल को अंडरकास्ट कर दिया, परचेज जनरल को बढ़ा दिया है, कम कर दिया, परचेज जनरल को बेटा हमने कम कर दिया है, परचेज जनरल में आती है क्रेडिट परचेज, अब परचेज को बढ़ाने का वक्त है,
हम परचेज को क्या करेंगे डेबिट, अगर परचेज डेबिट होगा तो सस्पेंस क्रेडिट। तो बेटा सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे परचेजेस। आगे कह रहा है बेटा सेल जनरल का टोटल था कितना 19,415 had not been posted to the sales account. सेल्स अकाउंट में लिखना भूल गए, तो अब सेल्स अकाउंट में लिखेंगे या नहीं। तो सेल जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट, अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो सस्पेंस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं बेटा रेफरेंस में सेल। पेमेंट रिसीव हुई है किससे, पी मेटल, सही है पी जी, पेमेंट मिली है कस्टमर से पी मेटल से 129 और हमने वो कह रहा है डेबिट कर दिया किसका अकाउंट एम पटेल, सही है ना। तो ये गलत बंदे के अकाउंट में एंट्री बनाई है, लेकिन यहाँ सिर्फ अकाउंट की गलती नहीं है डेबिट क्रेडिट की भी गलती है। हाँ इसका मतलब बेटा जब कस्टमर से पैसे आते हैं तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्रेडिट, क्रेडिट, लेकिन हमने गलत बंदे का अकाउंट यूज किया है और उसको क्रेडिट के बजाय डेबिट कर दिया। अब इसको सही कैसे करें यार, पहली बात मुझे बताओ पैसे आए किससे थे, पी मेटल से या एम पटेल से। पी मेटल से या मटेल जो भी इसका नाम है, पी मेटल से पैसे आए थे 129, तो क्रेडिट किसको करना चाहिए पी मेटल, लेकिन हमने डेबिट कर दिया एम पटेल को। तो बताओ एम पटेल तो हवाई फायर के बीच में आ गया ना, एम पटेल को जो गलती से डेबिट किया था अब वो क्या होगा क्रेडिट। एम पटेल अगर क्रेडिट होगा तो पी मेटल भी क्रेडिट होगा, जब दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा डबल अमाउंट से, ऐसा ही ना सुनैर। तो अब हमें सस्पेंस को डेबिट करना है दो अलग अलग वजहों की वजह से जी, क्या कह रहे हैं सुनैर। तो बेटा अगर आप देखें दो अलग अलग एंट्रीज बनेंगी, पहली एम पटेल के नाम से और दूसरी पी मेटल के नाम से, ऐसा ही है ना, एक 129 है और दूसरी भी क्या है 129। तो इसका मतलब सस्पेंस ओवरऑल डेबिट हो रहा है, सही है ना जी, क्या कह रहे हैं। चलो देख लेते, कह रहे बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुनीता 5,000 had been debited to bank, भाई जब पैसे आते हैं बैंक डेबिट होता है नहीं होता, लेकिन कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया ना, तो अब कैपिटल अगर क्रेडिट होगा तो सस्पेंस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो बेटा सस्पेंस डेबिट, रेफरेंस में कैपिटल, इतना मुश्किल नहीं आसान है। रेंट पे किया है कितना 500 have been posted to rent expense account as 50। तो बेटा हमने रेंट एक्सपेंस को ज्यादा डेबिट कर दिया है कम कम, तो अब और डेबिट करेंगे तो बेटा 450 से रेंट डेबिट होगा। अगर रेंट डेबिट होगा तो क्रेडिट पे आएगा सस्पेंस, क्यों बैंक में क्यों नहीं आएगी एंट्री। हाँ वो ये नहीं बोल रहा कि आपने बैंक में गलत एंट्री बनाई है, इसका मतलब बैंक में एंट्री सही बनाई है, सिर्फ रेंट अकाउंट में गलत बनाई है। तो रेंट को बेटा मजीद डेबिट करते हैं कितने से 450, अगर रेंट डेबिट होगा तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा कितने से 450। हो गई सारी एंट्रीज, अब इसको बेटा बैलेंस करना है। जो बड़ी साइड है वो आ रही है डेबिट, जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी, और जो शॉर्ट साइड है वहां पे क्या नाम लिखते हैं डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस या डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। तो डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस अब निकाल सकते हैं कैसे बेटा, जो बड़ी साइड का टोटल है इसमें से शॉर्ट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आ गया सोएब वो आ गया डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। तो इसमें डेट का तो कॉलम नहीं था, था कॉलम, तो दोनों जगहों पे बेटा एक बार डेट डाल दें 31 दिसंबर, हर एंट्री की डेट डालने की जरूरत नहीं है जी। तो एक जी बेटा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमने करेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है या ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आप देखें ओरिजिनल ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो बेसिकली बेटा हमने ये करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करना, कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा एक एक करके हम देखेंगे वो कौन कौन से एरर्स हैं जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं बेटा प्लस और माइनस। तो बेटा हम एक एक करके एरर देखते हैं, पहला एरर हम परचेज को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, परचेज बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो जीपी कम होगा, ऐसा ही है ना। परचेज के बढ़ाने से हमारा क्या होगा, जीपी कम होगा, कितना 3524। अच्छा उसके बाद अगर आप देखो इसका क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न का देखें स्वेप, सेल्स रिटर्न को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न बढ़ा रहे हैं। अच्छा अगर सेल्स बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अगर सेल्स रिटर्न बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो इसकी वजह से भी प्रॉफिट कम हो रहा है, सही है। परचेज के बढ़ने की वजह से भी प्रॉफिट कम हो रहा है और सेल्स रिटर्न के बढ़ने की वजह से भी प्रॉफिट कम हो रहा है, तो डबल अमाउंट से प्रॉफिट कम हो रहा है ना। तो कितने से प्रॉफिट कम हो रहा है बेटा, 7048 से, समझ में आ गया डबल अमाउंट क्यों आ रहा है। यार अगर देखा जाए दोनों का इम्पैक्ट सेम है, परचेज से भी कॉस्ट बढ़ती है, मतलब स्टॉक आ रहा है परचेज से भी और सेल्स रिटर्न से भी स्टॉक आ रहा है, अरे वैसा दोनों से स्टॉक आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल
सही है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो। आगे देखते हैं बेटा एरर टू। एरर टू में हमने क्या एंट्री बनाई थी, जरा देख लें एक बार दोबारा। परचेज को कम कर दिया था, अब परचेज को बढ़ाएंगे नहीं, अगर परचेज बढ़ेगी बेटा तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीपी पे। अगर परचेज बढ़ेगी तो जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परचेज बढ़ेगी तो जीपी कम हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो बेटा ये देख ले जाकिर, हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास जीपी दिया हुआ है और एरर्स को सही करने के बाद हमने देखना है जीपी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो एरर थ्री में देखें क्या बोला इसने, एरर थ्री में बोला बेटा कि जो सेल जर्नल था, सही है ना, उसको हमने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या अब सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं, तो सेल्स जब बढ़ेगी तो जीपी बढ़ जाए, सेल्स जब बढ़ेगी स्वे भगवान तो जीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, ऐसा ही है ना, सेल्स बढ़ने से। और नोट फोर में देखें बेटा क्या हुआ है, नोट फोर में बेटा पटेल आ रहा है, एम पटेल और पी मेटल, क्या इससे जीपी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बेटा नोट फाइव में देखें कैपिटल, तो कैपिटल से जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सही है। और रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस से भी जीपी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जीपी में बेटा ये सिर्फ तीन एरर इफेक्ट कर रहे हैं, एक बार हमने प्रॉफिट को यहाँ बढ़ाया है और दो दफा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ओवरऑल बताओ इंक्रीज करना है जीपी या डिक्रीज करना है, ओवरऑल डिक्रीज करना है, कितने से, ओवरऑल बेटा हमारा जीपी इंक्रीज हो रहा है तो इतने से। तो ये जो बेटा ड्राफ्ट जीपी दिया हुआ है इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो रिवाइज जीपी आ जाएगा, रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट या करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा इस तरीके से हमने जीपी को क्या करना था, करेक्ट करना था। तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ज्यादातर ये नेट प्रॉफिट का पूछता है, यहाँ पे इसने सिर्फ जीपी का पूछा है, तो सिर्फ वो एरर्स हमें देख रहे हैं जो जीपी से पहले पहले आते हैं, अगले वाले में नेट प्रॉफिट को करेक्ट करवाए, सही। कह रहा है बेटा हमें ओरिजिनल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और हमने करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है, ऐसा ही है ना। तो यार मुझे एक बात बताओ, हम चल किससे रहे, ओरिजिनल नेट प्रॉफिट से चल रहे हैं या रिवाइज जीपी से चल रहे हैं, ओरिजिनल नेट प्रॉफिट से चल रहे हैं। इसका मतलब जो एरर जीपी को अफेक्ट कर रहे थे कि वो एरर हमारे नेट प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेंगे या नहीं, तो वो एरर नेट प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेंगे। तो बेटा पहले तो हमने ओरिजिनल लिया हमारा ड्राफ्ट, ये तो दिया हुआ है ना हमें ओरिजिनल नेट प्रॉफिट, और उसमें एडजस्टमेंट्स किए हमने पर 3C1। अब देखो यहाँ पे जितनी एडजस्टमेंट थी ना वो उसने एक साथ कर दिए ताकि सारी दोबारा ना लिखना पड़े, सही है ना। जो चीजें जीपी को अफेक्ट करेंगी वो एनपी को भी अफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, करेंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखो हमने अपने जीपी को बढ़ाया है या कम किया, बढ़ाया है। तो अगर जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये तो सारी वो एडजस्टमेंट हो गई जो जीपी को भी इफेक्ट कर रही थी, कौन सी, 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 के बाद बाकी देख लेते हैं 4, 5, 6। क्या 4, 5, 6 जो है वो हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पटेल और एम पटेल जी ऐसे लिखा है एग्जामिनर ने मार्क्स की में, पटेल और एम पटेल आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैपिटल, कैपिटल भी नहीं आता, रेंट आएगा। तो रेंट को बढ़ाना है या कम करना है, रेंट को बढ़ाना है 450 से, जब रेंट बढ़ेगा तो बेटा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एरर 6 है, रेंट बढ़ने से नेट प्रॉफिट, बस जो चीजें जीपी को अफेक्ट कर रही थी वो नेट प्रॉफिट को भी अफेक्ट कर रही, और ये वो एरर है जो सिर्फ नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा था, जीपी को नहीं कर रहा। तो रिवाइज या करेक्टेड आ जाएगा, रिवाइज या करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे वैसे लाइंस कितनी दी हुई थी हमें एनपी को करेक्ट करने के लिए, लाइंस तो काफी दी हुई है ना इन्होंने, 3, 4 बार। अगर ये आप सारी दोबारा भी लिख देते तो भी आपका आंसर सही होता, बस ये है कि आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाती, बाकी मार्क्स आपको उतने ही देगा, मार्क्स आपको उतने ही देगा। अच्छा आगे क्या बोला इसने पार्ट डी में देखे, पार्ट डी बेटा लास्ट रिक्वायरमेंट है और वो कह रहा है जीपी मार्जिन दे रहा है 40%। मार्जिन किस पे लगता है, सेल्स पे या कॉस्ट ऑफ सेल पे, मार्जिन लगता है सेल्स पे। कह रहा है कैलकुलेट सुनीता रेवेन्यू, तो हमने रेवेन्यू निकाला। तो बेटा जीपी मार्जिन और जीपी की मदद से तो क्या रेवेन्यू निकाल सकता है, कैसे, जी जी जीपी मार्जिन का फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा जीपी मार्जिन का फॉर्मूला याद है, बेटा जीपी मार्जिन का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ लिख के आपको बता दूं ऊपर, जीपी मार्जिन का क्या फॉर्मूला होता है, जीपी अपॉन सेल्स, ऐसा ना फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अगर बेटा हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और मार्जिन भी दिया हुआ है तो ये सेल निकल सकती है, कैसे निकलेगी, सेल्स डिवाइड करेंगे ना, जी ग्रॉस प्रॉफिट को। अच्छा अब ये जो है ये जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम मार्जिन से डिवाइड करते हैं तो रेवेन्यू आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रिवाइज वाला लेंगे ना, कितना आ रहा है 78,500,
रिवाइज जो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर दे कितने से 40%। अगर ये जीपी बेटा 40% है सोहेब तो 100% कितना होगा? नहीं आप समझे नहीं ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो डिवाइड हो रहा है सेल्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम जीपी मार्जिन का जो फॉर्मूला है उसे मल्टीप्लाई बाय 100, हां मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, लेकिन ये मैं 40 से डिवाइड नहीं कर रहा ना, 40% से कर रहा हूं। 40% का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 हो चुका है। तो बेटा अगर ये 78,500 40% है तो ये 100% कितना होगा? रेवेन्यू आ जाएगा 100%। जी ये रेवेन्यू आ गया बेटा 196,250। तो इसके बेटा मैंने मार्क्स यहाँ पे लिख दिए, 2 मार्क्स इसके और बाकी 3 मार्क्स इसके। तो पूरा हो गया बेटा ये सवाल हमारा, पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हो गया।